पर भी, क्योंकि जिंदगी थी उसकी दर्द भरी। आप सच में आ गए, आप सच में आ गए। चंदेरी बिने एक बार फिर से आफत आ पड़ी है। अपनी माँ और उसके खुशहाल परिवार को बर्बाद करना चाहती है। मैं वो बिगना बड़ों की माने तो वो झाड़ियों में से बाहर आता था, घसीट कर ले जाता था और मार डालता था। स्त्री जा चुकी है और चंदेरी पुराण के खोए पन्नों में साफ साफ लिखा था कि स्त्री के जाते ही वो आएगा। कौन आएगा? बहुत साल पहला की बात है, नाम सुना नहीं था, पर सीरत से डायन थी वहाँ। कहीं एक लड़की थी रहती, सारी बस्ती उससे थी डरती। सरकटे के बारे में हम क्या जानते हैं? सरकटे का सर कटा हुआ है। वाह, इसको अभी का अभी आईएस घोषित कर दो। मैं बदला लेना चाहती हूँ। खुद को बहुत होशियार समझती हो? हाँ, क्या लगता है तुम यहां से भाग सकती हो? कि तुम्हारी भूतिया गर्लफ्रेंड एक फैंटेसी है। फैंटेसी नहीं है, सच्ची मोहब्बत है हमारी। मिलती का थोड़ी सच्ची मोहब्बत। महापूजा के आखिरी दिन तक उसे रोकना ही होगा, वरना महाविनाश होगा। चंदेरी को का कोई मुसीबत से बचा सकता है तो तुम हो। बदला लेना चाहती हूँ अपने बचपन का और अपने बाबा की मौत का। वो इतना शातिर था कि वो जानता था कि डोर एंट्री कितनी जरूरी है। मतलब सरकटा इन्फ्लुएंसर है, अपना फॉलोअर्स बढ़ाना चाहता है। उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। पर काल्पनिक किरदारों की ऐसी आभासी दुनिया बसाना जिसे दर्शक अपनी दुनिया मान बैठे और इसके किरदारों से अपनापन मानने लगे। 6 साल पहले चर्चित लेखक निर्देशक जोड़ी राज और डीके ने निर्माता दिनेश बिजन और निर्देशक अमर कौशिक को अपनी एक कहानी सौंपी थी, स्त्री। स्त्री जो छोटे से शहर चंदेरी के पुरुषों को उठा ले जाती है। उसका अतीत मार्मिक है। उसके प्रेमी के साथ उसे जिंदा जला दिया गया उसकी अपनी बेटी के सामने। और जब स्त्री का क्रोध शांत होता है और वह खुद ही उस नगर की रक्षक बन जाती है जिन दीवारों पर पहले लिखा होता था वो स्त्री कल आना, उन दीवारों पर लिखा रहने लगा वो स्त्री रक्षा करना। लेकिन क्या होगा जब ये स्त्री इस नगर को छोड़कर चली जाएगी? फिल्म स्त्री 2 की कहानी उतनी ही है जितनी आप इसके ट्रेलर में देख चुके हैं, लेकिन इसकी अंतरधारा बहुत मारक है। कुछ कुछ देश में बने उन हालात जैसी जहाँ सब किसी एक के पीछे आँखें मूंद कर चल पड़ते हैं। सिनेमा अगर अपने समय के समाज पर टिप्पणी नहीं करता तो वह सिनेमा नहीं कहलाता है। फिल्म स्त्री 2 में भी इसके लेखक नीरेन भट्ट ने तमाम मनोरंजक मसालों के बीच एक कहानी छोटी सी ऐसी बूंदी है जिसे समझने वाले जरूर समझ सकेंगे। बाहर बड़ी बड़ी बातें करने वाले समाज सेवियों के घर में महिलाओं की हालत क्या है? क्या अब भी महिलाओं की आधुनिकता को छोटे कस्बों में स्वीकारा जाता है?
क्या उनका चूल्हा चौका और पति के साथ उनकी मर्जी होने पर हम बिस्तर होना ही पत्नी धर्म है, और क्या चाहता है पितृसात्मक समाज जब कोई स्त्री अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी दुनिया बनाना चाहे। फिल्म इन सारे सवालों को बिना कहे प्रकट किए एक ऐसे मनोरंजन कहानी के साथ पेश करती है जिसे किसी ने रसगुल्ले में रखकर बच्चे को कुनैन की गोली खिला दी हो। अरसे बाद मुंबई के किसी प्रेस शो में हॉल हाउसफुल दिखा, तमाम लोग खड़े भी दिखे, बच्चे भी आए थे अपने अभिभावकों के साथ फिल्म देखने और हॉरर फिल्म का पूरा मजा भी लूटते दिखे। डर का अपना जो अलग आकर्षण होता है वह सबसे पहले किशोरा वय बच्चों को ही अपनी तरफ खींचता है। टीन एजर्स के बीच दुनिया भर में अब भी हॉरर सबसे लोकप्रिय सिने श्रेणी है, और इस साल हिंदी की अतपकी दो फिल्में शैतान और मुंजा से निराश हुए हॉरर के पक्के मुरीदों के लिए फिल्म स्त्री टू किसी पार्टी से कम नहीं है। मुंजा से अमर कौशिक और दिनेश बिचन ने कंप्यूटर जनित किरदार पर्दे पर पेश किया, और वह किरदार दरअसल स्त्री टू के लिए दर्शकों को तैयार करने की पाठशाला थी। फिल्म स्त्री टू में वही शहर चंदेरी है जहां 6 साल पहले एक अनाम युवती ने स्त्री की चोटी काटकर अपनी चोटी में मिला ली थी, असीमित शक्तियां पाने के लिए बिकी। फिल्म स्त्री टू में वही शहर चंदेरी है जहां 6 साल पहले एक अनाम युवती ने स्त्री की चोटी काटकर अपनी चोटी में मिला ली थी, असीमित शक्तियां पाने के लिए बिक्की उसे अब भी चाहता है, उसके सपने भी देखता है, और इस चक्कर में इतना फिट हो चुका है कि असल में उसके सामने आने पर भी उसे यकीन नहीं होता। उधर स्त्री गई तो सिरकटा आ गया। दहशत का दूसरा नाम है ये दैत्याकार प्रेत। इससे निपटने में चंदेरी के लोगों की मदद करने ये युवती फिर से लौटती है, और इस बार अपना अतीत वर्तमान भविष्य सब जाते जाते बता जाती है। वोड धोन वाली भेड़िया भी इस यूनिवर्स से आ मिली है, लेकिन फिल्म का असल आकर्षण और सबसे बड़ा सरप्राइज है अक्षय कुमार का किरदार। ये किरदार क्या है ये आप फिल्म देख कर ही समझ जाएंगे। बतौर रचयिता ये फिल्म अमर कौशिक की है। फिल्म की कहानी की शुरुआत थोड़ी अतार्किक होते हुए भी फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है दर्शकों को अपनी डरावनी दुनिया के साथ सांस लेने के लिए तैयार कर लेती है। फिल्म स्त्री की तरह यहाँ भी अमर कौशिक ने पूरा तानापना श्रद्धा कपूर के किरदार के इर्द गिर्द ही रचा है। राजकुमार राव, अपार शक्ति खुराना, अभिषेक बनर्जी और पंकज त्रिपाठी सब इस एक अलौकिक चरित्र के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। फिल्म खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती है, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके बाद फिल्म में दो गाने और हैं। एक पर्दे पर श्रद्धा कपूर गाते दिखती हैं राजकुमार राव के साथ, और दूसरा वरुण धवन के साथ। ऐसा क्यों, ये भी फिल्म देखकर ही समझना ज्यादा ठीक रहेगा। अमर कौशिक बतौर निर्देशक इस फिल्म में 100 में से 100 नंबर लाने के कामयाब रहे हैं, और ऐसी कॉपी लिखने के लिए उनको सारी तैयारी करने में मदद करने के लिए निर्माता दिनेश बिजन को भी 100 नंबर ही मिलने चाहिए। कलाकारों में से 100 में से 100 नंबर लाने वाली पिछली फिल्म की तरह यहाँ भी एक ही कलाकार हैं, और वह हैं श्रद्धा कपूर। हिंदी सिनेमा की सियासत के निशाने पर रही श्रद्धा कपूर ने अपने बूते बड़े पर्दे पर अपना जो मुकाम बनाया है उसकी पूरी कहानी फिर कभी। यहाँ इतना समझना जरूरी है कि फिल्म स्त्री से जो सिलसिला श्रद्धा कपूर ने हिंदी सिनेमा में शुरू किया है वह अभी रुकने वाला नहीं है। स्त्री टू ने उनका तिलिस्म और बढ़ाया, और इससे करिश्मा कहे या उनकी शख्सियत का जादू कि उनकी सीधी साधी इस छवि के आगे तमन्ना मिल्क भाटिया का रूप रंग भी पानी मांगता नजर आता है। पुरुष कलाकारों में राजकुमार राव के करियर की आखिरी हिट फिल्म स्त्री रही है, और स्त्री टू से उन्हें नया जीवनदान मिला है। अपार शक्ति का काम वेब सीरीज जुबली के बाद से निखरता जा रहा है। अभिषेक बनर्जी को फिल्म बेदा में दर्शकों ने जहाँ पूरी तरह नकार दिया, वही जना के किरदार में यहाँ उन्होंने खूब तारियां लूटी, और पंकज त्रिपाठी उनका तो बस नाम ही काफी है। उंगली चलाकर और गर्दन हिलाकर अभिनय करने का उनका अंदाज फिल्म दर फिल्म अटल है। अतुल श्रीवास्तव और राजकुमार राव के बीच पिता पुत्र के संवाद एक बार फिर एडल्ट मोड में निकल गए हैं। फिल्म में एक दो जगह द्विवर्ती संवाद भी हैं, लेकिन ये सबकी समझ में आ जाए ये जरूरी भी नहीं। फिल्म मस्त है। आज़ादी की सालगिरह से लेकर रक्षाबंधन तक के अवकाश उत्सव में जब मौका और टिकट दोनों मिल जाएं इसे देखने जा सकते हैं। हॉरर कॉमेडी जानर को सही मायनों में प्रचलित कराने का श्रेय स्त्री को जाता है, मगर जब मेकर को अपनी सफल और प्रतिष्ठित हॉरर कॉमेडी का सिक्वल बनाना हो तो चुनौती कड़ी होती है। जाहिर सी बात है, फिल्म मेकर को एक ऐसी काल्पनिक दुनिया गढ़नी होती है जो हंसाते हंसाते डराए और डराते डराते हंसाए, मगर जब दर्शक उस दुनिया का हिस्सा बनकर डरने लगता है, कह कहे लगाने लगता है, तो समझो किला फतेह है। निर्देशक अमर कौशिक इस डराने हंसाने के सिलसिले में जरा भी चूके नहीं। स्त्री टू में पार्ट 1 के किरदारों के आकर्षण के साथ कुछ चौंकने वाले चरित्र जोड़े गए हैं।
कुछ चौंकाने वाले चरित्र जोड़े गए हैं। इस बार कॉमेडी और हॉरर का कॉम्बिनेशन भी कम डेडली नहीं है। कहानी की बात की जाए तो स्त्री के फैंस जानते ही हैं कि पार्ट वन में स्त्री ने पुरुषों का अपहरण किया था, मगर इस बार कहानी में एक नए भयावह दानव सरकटा की एंट्री होती है। सरकटा महिलाओं को आक्रांत कर उनका अपहरण करता है। कहानी उसी चंदेरी गांव से शुरू होती है जहां कल तक लोग स्त्री से आतंकित थे, मगर अब दीवारों पर लिखा है ओ स्त्री रक्षा करना। हाल फिलहाल में गांव में सब ठीक ही चल रहा होता है कि एक दिन अचानक बिट्टू की गर्लफ्रेंड चिट्टी को सरकटा तबाही मचा कर ले जाता है। बिक्की को आज भी उस अनाम रहस्यमय लड़की का इंतजार है, मगर रुद्र को एक दिन एक खत द्वारा चंदेरी पुराण के फटे हुए पन्ने मिलते हैं, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि दिल्ली में रहने वाले जना की मदद से सरकटा का पता लगाया जा सकता है। इस बीच रहस्यमय लड़की श्रद्धा भी चंदेरी वापस आ गई है, मगर जब सरकटा रुद्र की नर्तकी प्रेमिका समा का अपहरण कर लेता है और गांव के बिट्टू सहित कई मर्दों को अपने वश में करके महिलाओं की आज़ादी पर बंदिश लगवा देता है, तब रुद्र, श्रद्धा, बिकी और जना सरकटा के संहार के लिए कमर कस लेते हैं। क्या इनकी चौकड़े सरकटा का विनाश कर पाती है? क्या गांव से अगवा की गई लड़कियों को सरकटा के चंगुल से बचाया जाता है? क्या इस बार बिकी को उसका प्यार मिल पाता है? यही इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। निर्देशक अमर कौशिक कहानी के पहले भाग में खूब मजे करवाते हैं। दैत्याकार भयानक दानों के एंट्री से लेकर तमाम चरित्रों की दहशत और उस डर से उपजी कॉमेडी एंटरटेनमेंट का तगड़ा जोज पेश करती है, मगर सेकंड हाफ में कहानी थोड़ी एवरेज हो जाती है। फिल्म में राक्षस और उनके साम्राज्य के खात्मे को लेकर जिस तरह की दुनिया और विजुअल्स परोसे गए हैं, उसमें बीएफएक्स का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है। क्लाइमैक्स में वरुण धवन के साथ साथ अक्षय कुमार की एंट्री एंटरटेनमेंट की मात्रा को तो जोड़ती ही है, साथ साथ हॉरर कॉमेडी के इस यूनिवर्स में स्त्री भेड़िया के कॉम्बिनेशन का इशारा भी कर देती है। इस सीक्वल का डायरेक्टर अमर कौशिक महिलाओं की आज़ादी के मुद्दे पर भी मनोरंजक ढंग से बात करते हैं। हाँ, अंत थोड़ा खिंचा हुआ लगता है। हालांकि म्यूजिक की बात की जाए तो आई नई खूबसूरत और आज की रात जैसे गीत म्यूजिक लवर्स को पहले ही पसंद आ रहे हैं। हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक और बेहतर हो सकता था। एक्टिंग पक्ष हर तरह से बीस साबित होता है। फिल्म की पूरी कास्ट ने हॉरर कॉमेडी को अपने पात्रों के जरिए जीवित किया है। बिकी के रूप में राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर एक बार फिर अपनी भूमिकाओं से पहले फिल्म को संपन्न प्रदान करते हैं। राजकुमार का देसी लहजा और बॉडी लैंग्वेज खूब हंसाता है। श्रद्धा कपूर बेहद खूबसूरत और दमदार लगी हैं। राक्षस का सामना करने वाले उनके सीन बहुत ही जानदार बन पड़े हैं। उन्होंने अपनी आंखों के जरिए एक्टिंग की है। डायरेक्टर को उन्हें और ज़्यादा स्क्रीन टाइम देना चाहिए था। रुद्र के रूप में पंकज त्रिपाठी खूब चमकते हैं, उनके वन लाइनर्स खुद गुदगुदाते हैं, तो जना के रोल में अभिषेक बनर्जी पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर देते हैं। अपार शक्ति खुराना ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। तमन्ना भाटिया आइटम सॉन्ग आज की रात में खूब जमी हैं। सरप्राइज पैकेज के रूप में अक्षय कुमार थोड़ी देर की मौजूदगी में ही कमाल कर जाते हैं। स्त्री फिल्म 6 साल पहले 2018 में रिलीज हुई थी। 25 करोड़ के मामूली बजट पर बनी इस फिल्म ने 150 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का कारोबार किया था। फिल्म का निर्देशन अमर कौशिक ने किया था। फिल्म में राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अभिषेक बनर्जी, अपार शक्ति खुराना और पंकज त्रिपाठी नजर आए थे। अब साल 2024 है और स्त्री 2 लौट आई है, उसी डायरेक्टर, उसी स्टारकास्ट और एक ऐसे कैरेक्टर के साथ जिसकी चंदेरी में दहशत है। जी हाँ, स्त्री के जाने के बाद अब चंदेरी में सरकटा आ गया है। स्त्री जहाँ पुरुषों को उठाया करते थे, वही सरकटे के निशाने पर चंदेरी की लड़कियां हैं। अब चंदेरी में कोई भी दिक्कत आएगी तो उससे निपटने के लिए बिकी एंड कंपनी तो आएगी ही, जिसमें पंकज त्रिपाठी भी शामिल हैं। बस सरकटे से निपटने की जिम्मेदारी श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव और उनके दोस्तों की है। सरकटे का खात्मा कैसे होता है, श्रद्धा कपूर किस तरह बिकी एंड कंपनी की मदद करती है, इन सवालों के जवाब तो स्त्री देखकर ही मिलेंगे। लेकिन फिल्म में कॉमेडी और हॉरर का मजेदार छौंक है। फिल्म का पहला हाफ सर पर दौड़ता है और सरकटे के दर्शन के साथ डराता भी है, तो बिकी एंड कंपनी की हरकतों से गुदगुदाता भी है। लेकिन सेकंड हाफ में आकर अमर कौशिक थोड़े उलझ जाते हैं। जिस तरह से सरकटे से निपटा जाता है और चीज़ों को दिखाया जाता है, वह माहौल थोड़ा खींचा हुआ सा लगता है। बाकी स्त्री 2 में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत तो है नहीं। फिर समय समय पर आपको कुछ कैमियो भी नजर आएंगे, तो उनके लिए तैयार रहें। हाँ, ध्यान रहे, फिल्म का एक मैसेज लेकर भी आई है। अब एक्टिंग की बात करें तो राजकुमार राव और बिकी की टाइमिंग कमाल है। उन्होंने बिकी के कैरेक्टर को ऐसा पकड़ा जो बाकी किसी के बस की बात नहीं। फिर अभिषेक बनर्जी और अपार शक्ति भी अच्छा साथ देते हैं, लेकिन हंसाने के चक्कर में कहीं कहीं
मामला थोड़ा लाउड कर जाते हैं। श्रद्धा कपूर ने अच्छा काम किया है, उनकी जिस तरह की अनाम और रहस्यमय छवि बनाई गई है उसे श्रद्धा कपूर ने बहुत ही ईमानदारी के साथ पर्दे पर पेश किया है। पंकज त्रिपाठी जिस अंदाज में डायलॉग बोलते हैं मज़ेदार हैं, उनके वन लाइनर फैन को सर्दियाँ गुदगुदाएंगे। स्त्री 2 के वर्डिक्ट की बात करें तो स्त्री के फैंस के लिए एक परफेक्ट फिल्म है, फिर वो हॉरर कॉमेडी के शौकीन हैं उन्हें भी पसंद आएगी। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी के फैंस भी इस फिल्म को पसंद करेंगे। फिल्म में कई सीन और बातें अटपटे लग सकते हैं, लेकिन हॉरर कॉमेडी के नाम पर उन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है। इस तरह स्त्री 2 का भरपूर फायदा तभी उठाया जा सकता है जिसमें दिमाग नहीं बल्कि दिल लगाया जाए। आसान नहीं होता है बड़े पर्दे पर काल्पनिक किरदारों की ऐसी आभासी दुनिया बसाना जिसे दर्शक अपनी दुनिया मान बैठे और इसके किरदारों से अपनापन मानने लगे। 6 साल पहले चर्चित लेखक निर्देशक जोड़ी राज और डीके ने निर्माता दिनेश बिजन और निर्देशक अमर कौशिक को अपनी एक कहानी सौंपी थी, स्त्री। स्त्री जो छोटे से शहर चंदेरी के पुरुषों को उठा ले जाती है, उसका अतीत मार्मिक है। उसके प्रेमी के साथ उसे जिंदा जला दिया गया उसकी अपनी बेटी के सामने, और जब स्त्री का क्रोध शांत होता है और वह खुद ही उस नगर की रक्षक बन जाती है जिन दीवारों पर पहले लिखा होता था वो स्त्री कल आना, उन दीवारों पर लिखा रहने लगा वो स्त्री रक्षा करना। लेकिन क्या होगा जब ये स्त्री इस नगर को छोड़कर चली जाएगी। फिल्म स्त्री 2 की कहानी उतनी ही है जितनी आप इसके ट्रेलर में देख चुके हैं, लेकिन इसकी अंतरधारा बहुत मारक है। कुछ कुछ देश में बने उन हालात जैसी जहाँ सब किसी एक के पीछे आँखें मूंद कर चल पड़ते हैं। सिनेमा अगर अपने समय के समाज पर टिप्पणी नहीं करता तो वह सिनेमा नहीं कहलाता है। फिल्म स्त्री 2 में भी इसके लेखक नीरेन भट्ट ने तमाम मनोरंजक मसालों के बीच एक कहानी छोटी सी ऐसी बूंदी है जिसे समझने वाले जरूर समझ सकेंगे। बाहर बड़ी बड़ी बातें करने वाले समाज सेवियों के घर में महिलाओं की हालत क्या है, क्या अब भी महिलाओं की आधुनिकता को छोटे कस्बों में स्वीकारा जाता है, क्या उनका चूल्हा चौका और पति के साथ उनकी मर्जी होने पर हम बिस्तर होना ही पत्नी धर्म है, और क्या चाहता है पितृसत्तात्मक समाज जब कोई स्त्री अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी दुनिया बनाना चाहे। फिल्म इन सारे सवालों को बिना कहे प्रकट किए एक ऐसे मनोरंजन कहानी के साथ पेश करती है जिसे किसी ने रसगुल्ले में रखकर बच्चे को कुनैन की गोली खिला दी हो। अरसे बाद मुंबई के किसी प्रेस शो में हॉल हाउसफुल दिखा, तमाम लोग खड़े भी दिखे, बच्चे भी आए थे अपने अभिभावकों के साथ फिल्म देखने और हॉरर फिल्म का पूरा मजा भी लूटते दिखे। डर का अपना जो अलग आकर्षण होता है वह सबसे पहले किशोरा वय बच्चों को ही अपनी तरफ खींचता है। टीनएजर्स के बीच दुनिया भर में अब भी हॉरर सबसे लोकप्रिय सिने श्रेणी है, और इस साल हिंदी की अधपकी 2 फिल्में शैतान और मुंजा से निराश हुए हॉरर के पक्के मुरीदों के लिए फिल्म स्त्री 2 किसी पार्टी से कम नहीं है। मुंजा से अमर कौशिक और दिनेश बिजन ने कंप्यूटर जनित किरदार पर्दे पर पेश किया, और वह किरदार दरअसल स्त्री 2 के लिए दर्शकों को तैयार करने की पाठशाला थी। फिल्म स्त्री 2 में वही शहर चंदेरी है जहां 6 साल पहले एक अनाम युवती ने स्त्री की चोटी काटकर अपनी चोटी में मिला ली थी, असीमित शक्तियां पाने के लिए बिकी। फिल्म स्त्री 2 में वही शहर चंदेरी है जहां 6 साल पहले एक अनाम युवती ने स्त्री की चोटी काटकर अपनी चोटी में मिला ली थी, असीमित शक्तियां पाने के लिए बिक्की उसे अब भी चाहता है, उसके सपने भी देखता है, और इस चक्कर में इतना फिट हो चुका है कि असल में उसके सामने आने पर भी उसे यकीन नहीं होता। उधर स्त्री गई तो सिरकटा आ गया। दहशत का दूसरा नाम है ये दैत्याकार प्रेत। इससे निपटने में चंदेरी के लोगों की मदद करने ये युवती फिर से लौटती है, और इस बार अपना अतीत, वर्तमान, भविष्य सब जाते जाते बता जाती है। वर्ण धोन वाली भेड़िया भी इस यूनिवर्स से आ मिली है, लेकिन फिल्म का असल आकर्षण और सबसे बड़ा सरप्राइज है अक्षय कुमार का किरदार। ये किरदार क्या है ये आप फिल्म देखकर ही समझ जाएंगे। बतौर रचयिता यह फिल्म अमर कौशिक की है। फिल्म की कहानी की शुरुआत थोड़ी अतार्किक होते हुए भी फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है दर्शकों को अपनी डरावनी दुनिया के साथ सांस लेने के लिए तैयार कर लेती है। फिल्म स्त्री की तरह यहाँ भी अमर कौशिक ने पूरा तानापना श्रद्धा कपूर के किरदार के इर्द गिर्द ही रचा है। राजकुमार राव, अपार शक्ति खुराना, अभिषेक बनर्जी और पंकज त्रिपाठी सब इस एक अलौकिक चरित्र के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। फिल्म खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती है, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके बाद फिल्म में 2 गाने और हैं। एक पर्दे पर श्रद्धा कपूर गाते दिखती हैं राजकुमार राव के साथ, और दूसरा वरुण धवन के साथ। ऐसा क्यों, ये भी फिल्म देखकर ही समझना ज्यादा
ठीक रहेगा। अमर कौशिक बतौर निर्देशक इस फिल्म में 100 में से 100 नंबर लाने के कामयाब रहे हैं और ऐसी कॉपी लिखने के लिए उनको सारी तैयारी करने में मदद करने के लिए निर्माता दिनेश बिजन को भी 100 नंबर ही मिलने चाहिए। कलाकारों में से 100 में से 100 नंबर लाने वाली पिछली फिल्म की तरह यहाँ भी एक ही कलाकार हैं और वह हैं श्रद्धा कपूर। हिंदी सिनेमा की सियासत के निशाने पर रही श्रद्धा कपूर ने अपने बोते बड़े पर्दे पर अपना जो मुकाम बनाया है उसकी पूरी कहानी फिर कभी। यहाँ इतना समझना जरूरी है कि फिल्म स्त्री से जो सिलसिला श्रद्धा कपूर ने हिंदी सिनेमा में शुरू किया है वह अभी रुकने वाला नहीं है। स्त्री 2 ने उनका तिलिस्म और बढ़ाया और इससे करिश्मा कहे या उनकी शख्सियत का जादू कि उनकी सीधी साधी इस छवि के आगे तमन्ना मिल्क भाटिया का रूप रंग भी पानी मांगता नजर आता है। पुरुष कलाकारों में राजकुमार राव के करियर की आखिरी हिट फिल्म स्त्री रही है और स्त्री 2 से उन्हें नया जीवनदान मिला है। अपार शक्ति का काम वेब सीरीज जुबली के बाद से निखरता जा रहा है। अभिषेक बनर्जी को फिल्म बेदा में दर्शकों ने जहाँ पूरी तरह नकार दिया वही जना के किरदार में यहाँ उन्होंने खूब तारियां लूटी और पंकज त्रिपाठी उनका तो बस नाम ही काफी है। उंगली चलाकर और गर्दन हिलाकर अभिनय करने का उनका अंदाज फिल्म दर फिल्म अटल है। अतुल श्रीवास्तव और राजकुमार राव के बीच पिता पुत्र के संवाद एक बार फिर एडल्ट मोड में निकल गए हैं। फिल्म में एक दो जगह द्विवर्ती संवाद भी हैं लेकिन ये सबकी समझ में आ जाए ये जरूरी भी नहीं। फिल्म मस्त है। आज़ादी की सालगिरह से लेकर रक्षाबंधन तक के अवकाश उत्सव में जब मौका और टिकट दोनों मिल जाएं इसे देखने जा सकते हैं। हॉरर कॉमेडी जानर को सही मायनों में प्रचलित कराने का श्रेय स्त्री को जाता है मगर जब मेकर को अपनी सफल और प्रतिष्ठित हॉरर कॉमेडी का सिक्वल बनाना हो तो चुनौती कड़ी होती है। जाहिर सी बात है फिल्म मेकर को एक ऐसी काल्पनिक दुनिया गढ़नी होती है जो हंसाते हंसाते डराए और डराते डराते हंसाए मगर जब दर्शक उस दुनिया का हिस्सा बनकर डरने लगता है कह कहे लगाने लगता है तो समझो किला फतेह है। निर्देशक अमर कौशिक इस डराने हंसाने के सिलसिले में जरा भी चूके नहीं। स्त्री 2 में पार्ट 1 के किरदारों के आकर्षण के साथ कुछ चौंकाने वाले चरित्र जोड़े गए हैं। इस बार कॉमेडी और हॉरर का कॉम्बिनेशन भी कम डेडली नहीं है। कहानी की बात की जाए तो स्त्री के फैंस जानते ही हैं कि पार्ट 1 में स्त्री ने पुरुषों का अपहरण किया था मगर इस बार कहानी में एक नए भयावह दानव सरकटा की एंट्री होती है। सरकटा महिलाओं को आक्रांत कर उनका अपहरण करता है। कहानी उसी चंदेरी गांव से शुरू होती है जहां कल तक लोग स्त्री से आतंकित थे मगर अब दीवारों पर लिखा है ओ स्त्री रक्षा करना। हाल फिलहाल में गांव में सब ठीक ही चल रहा होता है कि एक दिन अचानक बिट्टू की गर्लफ्रेंड चिट्टी को सरकटा तबाही मचा कर ले जाता है। बिक्की को आज भी उस अनाम रहस्यमय लड़की का इंतजार है मगर रुद्र को एक दिन एक खत द्वारा चंदेरी पुराण के फटे हुए पन्ने मिलते हैं जिससे निष्कर्ष निकलता है कि दिल्ली में रहने वाले जना की मदद से सरकटा का पता लगाया जा सकता है। इस बीच रहस्यमयी लड़की श्रद्धा भी चंदेरी वापस आ गई है मगर जब सरकटा रुद्र की नर्तकी प्रेमिका समा का अपहरण कर लेता है और गांव के बिट्टू सहित कई मर्दों को अपने वश में करके महिलाओं की आज़ादी पर बंदिश लगवा देता है तब रुद्र श्रद्धा बिकी और जना सरकटा के संहार के लिए कमर कस लेते हैं। क्या इनकी चौकड़े सरकटा का विनाश कर पाती है? क्या गांव से अगवा की गई लड़कियों को सरकटा के चंगुल से बचाया जाता है? क्या इस बार बिकी को उसका प्यार मिल पाता है? यही इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। निर्देशक अमर कौशिक कहानी के पहले भाग में खूब मजे करवाते हैं। दैत्याकार भयानक दानों के एंट्री से लेकर तमाम चरित्रों की दहशत और उस डर से उपजी कॉमेडी एंटरटेनमेंट का तगड़ा जोश पेश करती है मगर सेकंड हाफ में कहानी थोड़ी एवरेज हो जाती है। फिल्म में राक्षस और उनके साम्राज्य के खात्मे को लेकर जिस तरह की दुनिया और विजुअल्स परोसे गए हैं उसमें VFX का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है। क्लाइमैक्स में वरुण धवन के साथ साथ अक्षय कुमार की एंट्री एंटरटेनमेंट की मात्रा को तो जोड़ती ही है साथ साथ हॉरर कॉमेडी के इस यूनिवर्स में स्त्री भेड़िया के कॉम्बिनेशन का इशारा भी कर देती है। इस सीक्वल का डायरेक्टर अमर कौशिक महिलाओं की आज़ादी के मुद्दे पर भी मनोरंजक ढंग से बात करते हैं। हाँ अंत थोड़ा खिंचा हुआ लगता है। हालांकि म्यूजिक की बात की जाए तो आई नई खूबसूरत और आज की रात जैसे गीत म्यूजिक लवर्स को पहले ही पसंद आ रहे हैं। हाँ बैकग्राउंड म्यूजिक और बेहतर हो सकता था। एक्टिंग पक्ष हर तरह से बीस साबित होता है। फिल्म की पूरी कास्ट ने हॉरर कॉमेडी को अपने पात्रों के जरिए जीवित किया है। बिकी के रूप में राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर एक बार फिर अपनी भूमिकाओं से पहले फिल्म को संपन्न प्रदान करते हैं। राजकुमार का देसी लहजा और बॉडी लैंग्वेज खूब हंसाता है। श्रद्धा कपूर
कपूर बेहद खूबसूरत और दमदार लगी हैं। राक्षस का सामना करने वाले उनके सीन बहुत ही जानदार बन पड़े हैं। उन्होंने अपनी आंखों के जरिए एक्टिंग की है। डायरेक्टर को उन्हें और ज़्यादा स्क्रीन टाइम देना चाहिए था। रुद्र के रूप में पंकज त्रिपाठी खूब चमकते हैं, उनके वन लाइनर्स खुद गुदगुदाते हैं, तो जना के रोल में अभिषेक बनर्जी पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर देते हैं। अपार शक्ति खुराना ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। तमन्ना भाटिया आइटम सॉन्ग आज की रात में खूब जमी हैं। सरप्राइज पैकेज के रूप में अक्षय कुमार थोड़ी देर की मौजूदगी में ही कमाल कर जाते हैं। स्त्री फिल्म 6 साल पहले 2018 में रिलीज हुई थी। 25 करोड़ के मामूली बजट पर बनी इस फिल्म ने 150 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का कारोबार किया था। फिल्म का निर्देशन अमर कौशिक ने किया था। फिल्म में राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अभिषेक बनर्जी, अपार शक्ति खुराना और पंकज त्रिपाठी नजर आए थे। अब साल 2024 है और स्त्री 2 लौट आई है। उसी डायरेक्टर, उसी स्टार कास्ट और एक ऐसे कैरेक्टर के साथ जिसकी चंदेरी में दहशत है। जी हाँ, स्त्री के जाने के बाद अब चंदेरी में सरकट आ गया है। स्त्री पुरुषों को उठाया करते थे, वही सरकटे के निशाने पर चंदेरी की लड़कियां हैं। अब चंदेरी में कोई भी दिक्कत आएगी तो उससे निपटने के लिए विक्की एंड कंपनी तो आएगी ही, जिसमें पंकज त्रिपाठी भी शामिल हैं। बस सरकटे से निपटने की जिम्मेदारी श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव और उनके दोस्तों की है। सरकटे का खात्मा कैसे होता है, श्रद्धा कपूर किस तरह विक्की एंड कंपनी की मदद करती है, इन सवालों के जवाब तो स्त्री देख कर ही मिलेंगे। लेकिन फिल्म में कॉमेडी और हॉरर का मजेदार छौंक है। फिल्म का पहला हाफ सर पर दौड़ता है और सरकटे के दर्शन के साथ डराता भी है, तो विक्की एंड कंपनी की हरकतों से गुदगुदाता भी है। लेकिन सेकंड हाफ में आकर अमर कौशिक थोड़े उलझ जाते हैं। जिस तरह से सरकटे से निपटा जाता है और चीज़ों को दिखाया जाता है, वह माहौल थोड़ा खींचा हुआ सा लगता है। बाकी स्त्री 2 में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत तो है नहीं। फिर समय समय पर आपको कुछ कैमियो भी नजर आएंगे, तो उनके लिए तैयार हैं। हाँ, ध्यान रहे, फिल्म का एक मैसेज लेकर भी आई है। अब एक्टिंग की बात करें तो राजकुमार राव और विक्की की टाइमिंग कमाल है। उन्होंने विक्की के कैरेक्टर को ऐसा पकड़ा जो बाकी किसी के बस की बात नहीं। फिर अभिषेक बनर्जी और अपार शक्ति भी अच्छा साथ देते हैं, लेकिन हंसाने के चक्कर में कहीं कहीं मामला थोड़ा लाउड कर जाते हैं। श्रद्धा कपूर ने अच्छा काम किया है। उनकी जिस तरह की अनाम और रहस्यमय छवि बनाई गई है, उसे श्रद्धा कपूर ने बहुत ही ईमानदारी के साथ पर्दे पर पेश किया है। पंकज त्रिपाठी जिस अंदाज में डायलॉग बोलते हैं, मज़ेदार हैं। उनके वन लाइनर फैन को सर्दियाँ गुदगुदाएंगे। स्त्री 2 के वर्डिक्ट की बात करें तो स्त्री के फैंस के लिए एक परफेक्ट फिल्म है। फिर वो हॉरर कॉमेडी के शौकीन हैं, उन्हें भी पसंद आएगी। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी के फैंस भी इस फिल्म को पसंद करेंगे। फिल्म में कई सीन और बातें अटपटी लग सकते हैं, लेकिन हॉरर कॉमेडी के नाम पर उन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है। इस तरह स्त्री 2 का भरपूर फायदा तभी उठाया जा सकता है जिसमें दिमाग नहीं बल्कि दिल लगाया जाए। आसान नहीं होता है बड़े पर्दे पर काल्पनिक किरदारों की ऐसी आभासी दुनिया बसाना जिसे दर्शक अपनी दुनिया मान बैठे और इसके किरदारों से अपना पन मानने लगे। 6 साल पहले चर्चित लेखक निर्देशक जोड़ी राज और डीके ने निर्माता दिनेश बिजन और निर्देशक अमर कौशिक को अपनी एक कहानी सौंपी थी, स्त्री। स्त्री जो छोटे से शहर चंदेरी के पुरुषों को उठा ले जाती है, उसका अतीत मार्मिक है। उसके प्रेमी के साथ उसे जिंदा जला दिया गया उसकी अपनी बेटी के सामने, और जब स्त्री का क्रोध शांत होता है और वह खुद ही उस नगर की रक्षक बन जाती है जिन दीवारों पर पहले लिखा होता था वो स्त्री कल आना, उन दीवारों पर लिखा रहने लगा वो स्त्री रक्षा करना। लेकिन क्या होगा जब ये स्त्री इस नगर को छोड़कर चली जाएगी। फिल्म स्त्री 2 की कहानी उतनी ही है जितनी आप इसके ट्रेलर में देख चुके हैं, लेकिन इसकी अंतरधारा बहुत मारक है। कुछ कुछ देश में बने उन हालात जैसी जहाँ सब किसी एक के पीछे आँखें मूंद कर चल पड़ते हैं। सिनेमा अगर अपने समय के समाज पर टिप्पणी नहीं करता तो वह सिनेमा नहीं कहलाता है। फिल्म स्त्री 2 में भी इसके लेखक नीरेन भट्ट ने तमाम मनोरंजक मसालों के बीच एक कहानी छोटी सी ऐसी बूंदी है जिसे समझने वाले जरूर समझ सकेंगे। बाहर बड़ी बड़ी बातें करने वाले समाज सेवियों के घर में महिलाओं की हालत क्या है, क्या अब भी महिलाओं की आधुनिकता को छोटे कस्बों में स्वीकारा जाता है, क्या उनका चूल्हा चौका और पति के साथ उनकी मर्जी होने पर हम बिस्तर होना ही पत्नी धर्म है, और क्या चाहता है पितृसत्तात्मक समाज जब कोई स्त्री अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी दुनिया बनाना चाहे। फिल्म इन सारे सवालों को बिना कहे प्रकट किए एक ऐसे मनोरंजन कहानी के साथ पेश करती है जिसे किसी ने रसगुल्ले में रखकर बच्चे को कुनैन की गोली
खिला दी हो। अरसे बाद मुंबई के किसी प्रेस शो में हॉल हाउसफुल दिखा, तमाम लोग खड़े भी दिखे, बच्चे भी आए थे अपने अभिभावकों के साथ फिल्म देखने और हॉरर फिल्म का पूरा मजा भी लूटते दिखे। डर का अपना जो अलग आकर्षण होता है वह सबसे पहले किशोरा वह बच्चों को ही अपनी तरफ खींचता है। टीन एजर्स के बीच दुनिया भर में अब भी हॉरर सबसे लोकप्रिय सिने श्रेणी है और इस साल हिंदी की अतपकी दो फिल्में शैतान और मुंजा से निराश हुए हॉरर के पक्के मुरीदों के लिए फिल्म स्त्री 2 किसी पार्टी से कम नहीं है। मुंजा से अमर कौशिक और दिनेश बिजन ने कंप्यूटर जनित किरदार पर्दे पर पेश किया और वह किरदार दरअसल स्त्री 2 के लिए दर्शकों को तैयार करने की पाठशाला थी। फिल्म स्त्री 2 में वही शहर चंदेरी है जहां 6 साल पहले एक अनाम युवती ने स्त्री की चोटी काटकर अपनी चोटी में मिला ली थी, असीमित शक्तियां पाने के लिए बिकी। फिल्म स्त्री 2 में वही शहर चंदेरी है जहां 6 साल पहले एक अनाम युवती ने स्त्री की चोटी काटकर अपनी चोटी में मिला ली थी, असीमित शक्तियां पाने के लिए बिक्की उसे अब भी चाहता है, उसके सपने भी देखता है और इस चक्कर में इतना फिट हो चुका है कि असल में उसके सामने आने पर भी उसे यकीन नहीं होता। उधर स्त्री गई तो सिरकटा आ गया। दहशत का दूसरा नाम है ये दैत्याकार प्रेत। इससे निपटने में चंदेरी के लोगों की मदद करने ये युवती फिर से लौटती है और इस बार अपना अतीत वर्तमान भविष्य सब जाते जाते बता जाती है। वोड़ धोन वाली भेड़िया भी इस यूनिवर्स से आ मिली है, लेकिन फिल्म का असल आकर्षण और सबसे बड़ा सरप्राइज है अक्षय कुमार का किरदार। ये किरदार क्या है ये आप फिल्म देखकर ही समझ जाएंगे। बतौर रचयिता ये फिल्म अमर कौशिक की है। फिल्म की कहानी की शुरुआत थोड़ी अतार्किक होते हुए भी फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है दर्शकों को अपनी डरावनी दुनिया के साथ सांस लेने के लिए तैयार कर लेती है। फिल्म स्त्री की तरह यहाँ भी अमर कौशिक ने पूरा तानापना श्रद्धा कपूर के किरदार के इर्द गिर्द ही रचा है। राजकुमार राव, अपार शक्ति खुराना, अभिषेक बनर्जी और पंकज त्रिपाठी सब इस एक अलौकिक चरित्र के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। फिल्म खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती है, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके बाद फिल्म में 2 गाने और हैं। एक पर्दे पर श्रद्धा कपूर गाते दिखती हैं राजकुमार राव के साथ और दूसरा वरुण धवन के साथ। ऐसा क्यों, ये भी फिल्म देखकर ही समझना ज्यादा ठीक रहेगा। अमर कौशिक बतौर निर्देशक इस फिल्म में 100 में से 100 नंबर लाने के कामयाब रहे हैं और ऐसी कॉपी लिखने के लिए उनको सारी तैयारी करने में मदद करने के लिए निर्माता दिनेश बिजन को भी 100 नंबर ही मिलने चाहिए। कलाकारों में से 100 में से 100 नंबर लाने वाली पिछली फिल्म की तरह यहाँ भी एक ही कलाकार हैं और वह हैं श्रद्धा कपूर। हिंदी सिनेमा की सियासत के निशाने पर रही श्रद्धा कपूर ने अपने बोते बड़े पर्दे पर अपना जो मुकाम बनाया है उसकी पूरी कहानी फिर कभी। यहाँ इतना समझना जरूरी है कि फिल्म स्त्री से जो सिलसिला श्रद्धा कपूर ने हिंदी सिनेमा में शुरू किया है वह अभी रुकने वाला नहीं है। स्त्री 2 ने उनका तिलिस्म और बढ़ाया और इससे करिश्मा का है या उनकी शख्सियत का जादू कि उनकी सीधी साधी इस छवि के आगे तमन्ना मिल्क भाटिया का रूप रंग भी पानी मांगता नजर आता है। पुरुष कलाकारों में राजकुमार राव के करियर की आखिरी हिट फिल्म स्त्री रही है और स्त्री 2 से उन्हें नया जीवनदान मिला है। अपार शक्ति का काम वेब सीरीज जुबली के बाद से निखरता जा रहा है। अभिषेक बनर्जी को फिल्म बेदा में दर्शकों ने जहाँ पूरी तरह नकार दिया वही जना के किरदार में यहाँ उन्होंने खूब तारियां लूटी और पंकज त्रिपाठी उनका तो बस नाम ही काफ़ी है। उंगली चलाकर और गर्दन हिलाकर अभिनय करने का उनका अंदाज फिल्म दर फिल्म अटल है। अतुल श्रीवास्तव और राजकुमार राव के बीच पिता पुत्र के संवाद एक बार फिर एडल्ट मोड में निकल गए हैं। फिल्म में एक दो जगह द्विवर्थी संवाद भी हैं लेकिन ये सब की समझ में आ जाए ये जरूरी भी नहीं। फिल्म मस्त है। आज़ादी की सालगिरह से लेकर रक्षाबंधन तक के अवकाश उत्सव में जब मौका और टिकट दोनों मिल जाए इसे देखने जा सकते हैं। हॉरर कॉमेडी जानर को सही मायनों में प्रचलित कराने का श्रेय स्त्री को जाता है, मगर जब मेकर को अपनी सफल और प्रतिष्ठित हॉरर कॉमेडी का सिक्वल बनाना हो तो चुनौती कड़ी होती है। जाहिर सी बात है फिल्म मेकर को एक ऐसी काल्पनिक दुनिया गढ़नी होती है जो हंसाते हंसाते डराए और डराते डराते हंसाए, मगर जब दर्शक उस दुनिया का हिस्सा बनकर डरने लगता है, कह कहे लगाने लगता है, तो समझो किला फतेह है। निर्देशक अमर कौशिक इस डराने हंसाने के सिलसिले में जरा भी चूके नहीं। स्त्री 2 में पार्ट 1 के किरदारों के आकर्षण के साथ कुछ चौंकाने वाले चरित्र जोड़े गए हैं। इस बार कॉमेडी और हॉरर का कॉम्बिनेशन भी कम डेडली नहीं है। कहानी की बात की जाए तो स्त्री के फैंस जानते ही हैं कि पार्ट 1 में स्त्री ने पुरुषों का अपहरण किया था, मगर इस बार कहानी में एक नए भयावह दानव सरकटा की एंट्री होती है। सरकटा महिलाओं को
आक्रांत कर उनका अपहरण करता है। कहानी उसी चंदेरी गांव से शुरू होती है जहां कल तक लोग स्त्री से आतंकित थे, मगर अब दीवारों पर लिखा है ओ स्त्री रक्षा करना। हाल फिलहाल में गांव में सब ठीक ही चल रहा होता है कि एक दिन अचानक बिट्टू की गर्लफ्रेंड चिट्टी को सरकटा तबाही मचा कर ले जाता है। बिक्की को आज भी उस अनाम रहस्यमय लड़की का इंतजार है, मगर रुद्र को एक दिन एक खत द्वारा चंदेरी पुराण के फटे हुए पन्ने मिलते हैं, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि दिल्ली में रहने वाले जना की मदद से सरकटा का पता लगाया जा सकता है। इस बीच रहस्यमयी लड़की श्रद्धा भी चंदेरी वापस आ गई है, मगर जब सरकटा रुद्र की नर्तकी प्रेमिका समा का अपहरण कर लेता है और गांव के बिट्टू सहित कई मर्दों को अपने वश में करके महिलाओं की आज़ादी पर बंदिश लगवा देता है, तब रुद्र, श्रद्धा, बिकी और जना सरकटा के संहार के लिए कमर कस लेते हैं। क्या इनकी चौकड़े सरकटा का विनाश कर पाती है? क्या गांव से अगवा की गई लड़कियों को सरकटा के चंगुल से बचाया जाता है? क्या इस बार बिकी को उसका प्यार मिल पाता है? यही इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। निर्देशक अमर कौशिक कहानी के पहले भाग में खूब मजे करवाते हैं। दैत्याकार भयानक दानों के एंट्री से लेकर तमाम चरित्रों की दहशत और उस डर से उपजी कॉमेडी एंटरटेनमेंट का तगड़ा जोश पेश करती है, मगर सेकंड हाफ में कहानी थोड़ी एवरेज हो जाती है। फिल्म में राक्षस और उनके साम्राज्य के खात्मे को लेकर जिस तरह की दुनिया और विजुअल्स परोसे गए हैं, उसमें VFX का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है। क्लाइमैक्स में वरुण धवन के साथ साथ अक्षय कुमार की एंट्री एंटरटेनमेंट की मात्रा को तो जोड़ती ही है, साथ साथ हॉरर कॉमेडी के इस यूनिवर्स में स्त्री भेड़िया के कॉम्बिनेशन का इशारा भी कर देती है। इस सीक्वल का डायरेक्टर अमर कौशिक महिलाओं की आज़ादी के मुद्दे पर भी मनोरंजक ढंग से बात करते हैं। हाँ, अंत थोड़ा खिंचा हुआ लगता है। हालांकि म्यूजिक की बात की जाए तो आई नई खूबसूरत और आज की रात जैसे गीत म्यूजिक लवर्स को पहले ही पसंद आ रहे हैं। हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक और बेहतर हो सकता था। एक्टिंग पक्ष हर तरह से बीस साबित होता है। फिल्म की पूरी कास्ट ने हॉरर कॉमेडी को अपने पात्रों के जरिए जीवित किया है। बिकी के रूम में राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर एक बार फिर अपनी भूमिकाओं से पहले फिल्म को संपन्न प्रदान करते हैं। राजकुमार का देसी लहजा और बॉडी लैंग्वेज खूब हंसाता है। श्रद्धा कपूर बेहद खूबसूरत और दमदार लगी हैं। राक्षस का सामना करने वाले उनके सीन बहुत ही जानदार बन पड़े हैं। उन्होंने अपनी आंखों के जरिए एक्टिंग की है। डायरेक्टर को उन्हें और ज़्यादा स्क्रीन टाइम देना चाहिए था। रुद्र के रूम में पंकज त्रिपाठी खूब चमकते हैं, उनके वन लाइनर्स खुद गुदगुदाते हैं, तो जना के रोल में अभिषेक बनर्जी पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर देते हैं। अपार शक्ति खुराना ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। तमन्ना भाटिया आइटम सॉन्ग आज की रात में खूब जमी हैं। सरप्राइज पैकेज के रूम में अक्षय कुमार थोड़ी देर की मौजूदगी में ही कमाल कर जाते हैं। स्त्री फिल्म 6 साल पहले 2018 में रिलीज हुई थी। 25 करोड़ के मामूली बजट पर बनी इस फिल्म ने 150 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का कारोबार किया था। फिल्म का निर्देशन अमर कौशिक ने किया था। फिल्म में राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अभिषेक बनर्जी, अपार शक्ति खुराना और पंकज त्रिपाठी नजर आए थे। अब साल 2024 है और स्त्री 2 लौट आई है, उसी डायरेक्टर, उसी स्टार कास्ट और एक ऐसे कैरेक्टर के साथ जिसकी चंदेरी में दहशत है। जी हाँ, स्त्री के जाने के बाद अब चंदेरी में सरकटा आ गया है। स्त्री जहाँ पुरुषों को उठाया करती थी, वही सरकटे के निशाने पर चंदेरी की लड़कियां हैं। अब चंदेरी में कोई भी दिक्कत आएगी तो उससे निपटने के लिए बिकी एंड कंपनी तो आएगी ही, जिसमें पंकज त्रिपाठी भी शामिल हैं। बस सरकटे से निपटने की जिम्मेदारी श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव और उनके दोस्तों की है। सरकटे का खात्मा कैसे होता है, श्रद्धा कपूर किस तरह बिकी एंड कंपनी की मदद करती है, इन सवालों के जवाब तो स्त्री देख कर ही मिलेंगे। लेकिन फिल्म में कॉमेडी और हॉरर का मजेदार छौंक है। फिल्म का पहला हाफ सर पर दौड़ता है और सरकटे के दर्शन के साथ डराता भी है, तो बिकी एंड कंपनी की हरकतों से गुदगुदाता भी है। लेकिन सेकंड हाफ में आकर अमर कौशिक थोड़े उलझ जाते हैं। जिस तरह से सरकटे से निपटा जाता है और चीज़ों को दिखाया जाता है, वह माहौल थोड़ा खींचा हुआ सा लगता है। बाकी स्त्री 2 में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत तो है नहीं। फिर समय समय पर आपको कुछ कैमियो भी नजर आएंगे, तो उनके लिए तैयार रहें। हाँ, ध्यान रहे, फिल्म का एक मैसेज लेकर भी आई है। अब एक्टिंग की बात करें तो राजकुमार राव और बिकी की टाइमिंग कमाल है। उन्होंने बिकी के कैरेक्टर को ऐसा पकड़ा जो बाकी किसी के बस की बात नहीं। फिर अभिषेक बनर्जी और अपार शक्ति भी अच्छा साथ देते हैं, लेकिन हंसाने के चक्कर में कहीं कहीं मामला थोड़ा लाउड कर जाते हैं। श्रद्धा कपूर ने अच्छा काम किया है। उनकी जिस तरह की अनाम और रहस्यमय छवि बनाई गई है, उसे श्रद्धा कपूर ने बहुत ही ईमानदारी के साथ पर्दे पर पेश किया है। पंकज त्रिपाठी जिस अंदाज में डायलॉग बोलते हैं, मज़ेदार हैं। उनके वन लाइनर फैन को सर्दियाँ गुदगुदाएंगे। स्त्री 2 के वर्डिक्ट की बात करें तो स्त्री के फैंस के लिए एक परफेक्ट फिल्म है। फिर वो हॉरर कॉमेडी के शौकीन हैं, उन्हें भी पसंद आएगी। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी के फैंस भी इस फिल्म को पसंद करेंगे।
फिल्म में कई सीन और बातें अटपटे लग सकते हैं, लेकिन हॉरर कॉमेडी के नाम पर उन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है। इस तरह स्ट्रीट 2 का भरपूर फायदा तभी उठाया जा सकता है जिसमें दिमाग नहीं बल्कि दिल लगाया जाए। आसान नहीं होता है बड़े पर्दे पर काल्पनिक किरदारों की ऐसी आभासी दुनिया बसाना जिसे दर्शक अपनी दुनिया मान बैठे और इसके किरदारों से अपनापन मानने लगे। 6 साल पहले चर्चित लेखक निर्देशक जोड़ी राज और डीके ने निर्माता दिनेश बिजन और निर्देशक अमर कौशिक को अपनी एक कहानी सौंपी थी, स्त्री। स्त्री जो छोटे से शहर चंदेरी के पुरुषों को उठा ले जाती है। उसका अतीत मार्मिक है। उसके प्रेमी के साथ उसे जिंदा जला दिया गया उसकी अपनी बेटी के सामने। और जब स्त्री का क्रोध शांत होता है और वह खुद ही उस नगर की रक्षक बन जाती है जिन दीवारों पर पहले लिखा होता था वो स्त्री कल आना, उन दीवारों पर लिखा रहने लगा वो स्त्री रक्षा करना। लेकिन क्या होगा जब ये स्त्री इस नगर को छोड़कर चली जाएगी। फिल्म स्त्री 2 की कहानी उतनी ही है जितनी आप इसके ट्रेलर में देख चुके हैं, लेकिन इसकी अंतरधारा बहुत मारक है। कुछ कुछ देश में बने उन हालात जैसी जहाँ सब किसी एक के पीछे आँखें मूंद कर चल पड़ते हैं। सिनेमा अगर अपने समय के समाज पर टिप्पणी नहीं करता तो वह सिनेमा नहीं कहलाता है। फिल्म स्त्री 2 में भी इसके लेखक नीरेन भट्ट ने तमाम मनोरंजक मसालों के बीच एक कहानी छोटी सी ऐसी बूंदी है जिसे समझने वाले जरूर समझ सकेंगे। बाहर बड़ी बड़ी बातें करने वाले समाज सेवियों के घर में महिलाओं की हालत क्या है, क्या अब भी महिलाओं की आधुनिकता को छोटे कस्बों में स्वीकारा जाता है, क्या उनका चूल्हा चौका और पति के साथ उनकी मर्जी होने पर हम बिस्तर होना ही पत्नी धर्म है, और क्या चाहता है पितृसत्तात्मक समाज जब कोई स्त्री अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी दुनिया बनाना चाहे। फिल्म इन सारे सवालों को बिना कहे प्रकट किए एक ऐसे मनोरंजन कहानी के साथ पेश करती है जिसे किसी ने रसगुल्ले में रखकर बच्चे को कुनैन की गोली खिला दी हो। अरसे बाद मुंबई के किसी प्रेस शो में हॉल हाउसफुल दिखा, तमाम लोग खड़े भी दिखे, बच्चे भी आए थे अपने अभिभावकों के साथ फिल्म देखने और हॉरर फिल्म का पूरा मजा भी लूटते दिखे। डर का अपना जो अलग आकर्षण होता है वह सबसे पहले किशोरा वय बच्चों को ही अपनी तरफ खींचता है। टीन एजर्स के बीच दुनिया भर में अब भी हॉरर सबसे लोकप्रिय सिने श्रेणी है, और इस साल हिंदी की अधपकी 2 फिल्में शैतान और मुंजा से निराश हुए हॉरर के पक्के मुरीदों के लिए फिल्म स्त्री 2 किसी पार्टी से कम नहीं है। मुंजा से अमर कौशिक और दिनेश बिजन ने कंप्यूटर जनित किरदार पर्दे पर पेश किया, और वह किरदार दरअसल स्त्री 2 के लिए दर्शकों को तैयार करने की पाठशाला थी। फिल्म स्त्री 2 में वही शहर चंदेरी है जहां 6 साल पहले एक अनाम युवती ने स्त्री की चोटी काटकर अपनी चोटी में मिला ली थी, असीमित शक्तियां पाने के लिए बिकी। फिल्म स्त्री 2 में वही शहर चंदेरी है जहां 6 साल पहले एक अनाम युवती ने स्त्री की चोटी काटकर अपनी चोटी में मिला ली थी, असीमित शक्तियां पाने के लिए बिक्की उसे अब भी चाहता है, उसके सपने भी देखता है, और इस चक्कर में इतना फिट हो चुका है कि असल में उसके सामने आने पर भी उसे यकीन नहीं होता। उधर स्त्री गई तो सिरकटा आ गया। दहशत का दूसरा नाम है ये दैत्याकार प्रेत। इससे निपटने में चंदेरी के लोगों की मदद करने ये युवती फिर से लौटती है, और इस बार अपना अतीत वर्तमान भविष्य सब जाते जाते बता जाती है। वोड़ धोन वाली भेड़िया भी इस यूनिवर्स से आ मिली है, लेकिन फिल्म का असल आकर्षण और सबसे बड़ा सरप्राइज है अक्षय कुमार का किरदार। ये किरदार क्या है ये आप फिल्म देखकर ही समझ जाएंगे। बतौर रचयिता ये फिल्म अमर कौशिक की है। फिल्म की कहानी की शुरुआत थोड़ी अतार्किक होते हुए भी फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है दर्शकों को अपनी डरावनी दुनिया के साथ सांस लेने के लिए तैयार कर लेती है। फिल्म स्त्री की तरह यहाँ भी अमर कौशिक ने पूरा तानापना श्रद्धा कपूर के किरदार के इर्द गिर्द ही रचा है। राजकुमार राव, अपार शक्ति खुराना, अभिषेक बनर्जी और पंकज त्रिपाठी सब इस एक अलौकिक चरित्र के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। फिल्म खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती है, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके बाद फिल्म में 2 गाने और हैं। एक पर्दे पर श्रद्धा कपूर गाते दिखती हैं राजकुमार राव के साथ, और दूसरा वरुण धवन के साथ। ऐसा क्यों, ये भी फिल्म देखकर ही समझना ज्यादा ठीक रहेगा। अमर कौशिक बतौर निर्देशक इस फिल्म में 100 में से 100 नंबर लाने के कामयाब रहे हैं, और ऐसी कॉपी लिखने के लिए उनको सारी तैयारी करने में मदद करने के लिए निर्माता दिनेश बिजन को भी 100 नंबर ही मिलने चाहिए। कलाकारों में से 100 में से 100 नंबर लाने वाली पिछली फिल्म की तरह यहाँ भी एक ही कलाकार हैं, और वह हैं श्रद्धा कपूर। हिंदी सिनेमा की सियासत के निशाने पर रही श्रद्धा कपूर ने अपने बोते बड़े पर्दे पर अपना जो मुकाम बनाया है उसकी पूरी कहानी फिर कभी। यहाँ इतना समझना जरूरी है कि फिल्म स्त्री से जो सिलसिला श्रद्धा कपूर ने हिंदी सिनेमा में शुरू किया है वह अभी रुकने वाला नहीं है। स्त्री 2 ने उनका तिलिस्म और बढ़ाया।
और इससे करिश्मा का या उनकी शख्सियत का जादू कि उनकी सीधी साधी इस छवि के आगे तमन्ना मिल्क भाटिया का रूप रंग भी पानी मांगता नजर आता है। पुरुष कलाकारों में राजकुमार राव के करियर की आखिरी हिट फिल्म स्त्री रही है और स्त्री 2 से उन्हें नया जीवनदान मिला है। अपार शक्ति का काम वेब सीरीज जुबली के बाद से निखरता जा रहा है। अभिषेक बनर्जी को फिल्म बेदा में दर्शकों ने जहाँ पूरी तरह नकार दिया, वही जना के किरदार में यहाँ उन्होंने खूब तारियां लूटी और पंकज त्रिपाठी उनका तो बस नाम ही काफी है। उंगली चलाकर और गर्दन हिलाकर अभिनय करने का उनका अंदाज फिल्म दर फिल्म अटल है। अतुल श्रीवास्तव और राजकुमार राव के बीच पिता पुत्र के संवाद एक बार फिर एडल्ट मोड में निकल गए हैं। फिल्म में एक दो जगह द्विवर्ती संवाद भी हैं, लेकिन ये सबकी समझ में आ जाए ये जरूरी भी नहीं। फिल्म मस्त है। आज़ादी की सालगिरह से लेकर रक्षाबंधन तक के अवकाश उत्सव में जब मौका और टिकट दोनों मिल जाएं, इसे देखने जा सकते हैं। हॉरर कॉमेडी जानर को सही मायनों में प्रचलित कराने का श्रेय स्त्री को जाता है, मगर जब मेकर को अपनी सफल और प्रतिष्ठित हॉरर कॉमेडी का सिक्वल बनाना हो तो चुनौती कड़ी होती है। जाहिर सी बात है, फिल्म मेकर को एक ऐसी काल्पनिक दुनिया गढ़नी होती है जो हंसाते हंसाते डराए और डराते डराते हंसाए, मगर जब दर्शक उस दुनिया का हिस्सा बनकर डरने लगता है, कह कहे लगाने लगता है, तो समझो कि लापते है। निर्देशक अमर कौशिक इस डराने हंसाने के सिलसिले में जरा भी चूके नहीं। स्त्री 2 में पार्ट 1 के किरदारों के आकर्षण के साथ कुछ चौंकने वाले चरित्र जोड़े गए हैं इस बार कॉमेडी और हॉरर का कॉम्बिनेशन भी कम डेडली नहीं है। कहानी की बात की जाए तो स्त्री के फैंस जानते ही हैं कि पार्ट 1 में स्त्री ने पुरुषों का अपहरण किया था, मगर इस बार कहानी में एक नए भयावह दानव सरकटा की एंट्री होती है। सरकटा महिलाओं को आक्रांत कर उनका अपहरण करता है। कहानी उसी चंदेरी गांव से शुरू होती है जहां कल तक लोग स्त्री से आतंकित थे, मगर अब दीवारों पर लिखा है ओ स्त्री रक्षा करना। हाल फिलहाल में गांव में सब ठीक ही चल रहा होता है कि एक दिन अचानक बिट्टू की गर्लफ्रेंड चिट्टी को सरकटा तबाही मचा कर ले जाता है। बिक्की को आज भी उस अनाम रहस्यमय लड़की का इंतजार है, मगर रुद्र को एक दिन एक खत द्वारा चंदेरी पुराण के फटे हुए पन्ने मिलते हैं, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि दिल्ली में रहने वाले जना की मदद से सरकटा का पता लगाया जा सकता है। इस बीच रहस्यमय लड़की श्रद्धा भी चंदेरी वापस आ गई है, मगर जब सरकटा रुद्र की नर्तकी प्रेमिका समा का अपहरण कर लेता है और गांव के बिट्टू सहित कई मर्दों को अपने वश में करके महिलाओं की आज़ादी पर बंदिश लगवा देता है, तब रुद्र श्रद्धा बिकी और जना सरकटा के संहार के लिए कमर कस लेते हैं। क्या इनकी चौकड़े सरकटा का विनाश कर पाती है? क्या गांव से अगवा की गई लड़कियों को सरकटा के चंगुल से बचाया जाता है? क्या इस बार बिकी को उसका प्यार मिल पाता है? यही इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। निर्देशक अमर कौशिक कहानी के पहले भाग में खूब मजे करवाते हैं। दैत्याकार भयानक दानों के एंट्री से लेकर तमाम चरित्रों की दहशत और उस डर से उपजी कॉमेडी एंटरटेनमेंट का तगड़ा जोज पेश करती है, मगर सेकंड हाफ में कहानी थोड़ी एवरेज हो जाती है। फिल्म में राक्षस और उनके साम्राज्य के खात्मे को लेकर जिस तरह की दुनिया और विजुअल्स परोसे गए हैं, उसमें VFX का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है। क्लाइमैक्स में वरुण धवन के साथ साथ अक्षय कुमार की एंट्री एंटरटेनमेंट की मात्रा को तो जोड़ती ही है, साथ साथ हॉरर कॉमेडी के इस यूनिवर्स में स्त्री भेड़िया के कॉम्बिनेशन का इशारा भी कर देती है। इस सीक्वल का डायरेक्टर अमर कौशिक महिलाओं की आज़ादी के मुद्दे पर भी मनोरंजक ढंग से बात करते हैं। हाँ, अंत थोड़ा खिंचा हुआ लगता है। हालांकि म्यूजिक की बात की जाए तो आई नई खूबसूरत और आज की रात जैसे गीत म्यूजिक लवर्स को पहले ही पसंद आ रहे हैं। हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक और बेहतर हो सकता था। एक्टिंग पक्ष हर तरह से 20 साबित होता है। फिल्म की पूरी कास्ट ने हॉरर कॉमेडी को अपने पात्रों के जरिए जीवित किया है। बिकी के रूप में राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर एक बार फिर अपनी भूमिकाओं से पहले फिल्म को संपन्न प्रदान करते हैं। राजकुमार का देसी लहजा और बॉडी लैंग्वेज खूब हंसाता है। श्रद्धा कपूर बेहद खूबसूरत और दमदार लगी हैं। राक्षस का सामना करने वाले उनके सीन बहुत ही जानदार बन पड़े हैं। उन्होंने अपनी आंखों के जरिए एक्टिंग की है। डायरेक्टर को उन्हें और ज़्यादा स्क्रीन टाइम देना चाहिए था। रुद्र के रूप में पंकज त्रिपाठी खूब चमकते हैं, उनके वन लाइनर्स खुद गुदगुदाते हैं, तो जना के रोल में अभिषेक बनर्जी पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर देते हैं। अपार शक्ति खुराना ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। तमन्ना भाटिया आइटम सॉन्ग आज की रात में खूब जमी हैं। सरप्राइज पैकेज के रूप में अक्षय कुमार थोड़ी देर की मौजूदगी में ही कमाल कर जाते हैं।
स्त्री फिल्म 6 साल पहले 2018 में रिलीज हुई थी। 25 करोड़ के मामूली बजट पर बनी इस फिल्म ने 150 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का कारोबार किया था। फिल्म का निर्देशन अमर कौशिक ने किया था। फिल्म में राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अभिषेक बनर्जी, अपार शक्ति खुराना और पंकज त्रिपाठी नजर आए थे। अब साल 2024 है और स्त्री 2 लौट आई है उसी डायरेक्टर, उसी स्टारकास्ट और एक ऐसे कैरेक्टर के साथ जिसकी चंदेरी में दहशत है। जी हाँ, स्त्री के जाने के बाद अब चंदेरी में सरकट आ गया है। स्त्री जहाँ पुरुषों को उठाया करते थे, वही सरकटे के निशाने पर चंदेरी की लड़कियां हैं। अब चंदेरी में कोई भी दिक्कत आएगी तो उससे निपटने के लिए विक्की एंड कंपनी तो आएगी ही, जिसमें पंकज त्रिपाठी भी शामिल हैं। बस सरकटे से निपटने की जिम्मेदारी श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव और उनके दोस्तों की है। सरकटे का खात्मा कैसे होता है, श्रद्धा कपूर किस तरह विक्की एंड कंपनी की मदद करती है, इन सवालों के जवाब तो स्त्री देखकर ही मिलेंगे। लेकिन फिल्म में कॉमेडी और हॉरर का मजेदार छौंक है। फिल्म का पहला हाफ सर पर दौड़ता है और सरकटे के दर्शन के साथ डराता भी है तो विक्की एंड कंपनी की हरकतों से गुदगुदाता भी है। लेकिन सेकंड हाफ में आकर अमर कौशिक थोड़े उलझ जाते हैं। जिस तरह से सरकटे से निपटा जाता है और चीज़ों को दिखाया जाता है, वह माहौल थोड़ा खींचा हुआ सा लगता है। बाकी स्त्री 2 में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत तो है नहीं। फिर समय समय पर आपको कुछ कैमियो भी नजर आएंगे तो उनके लिए तैयार रहें। हाँ, ध्यान रहे, फिल्म का एक मैसेज लेकर भी आई है। अब एक्टिंग की बात करें तो राजकुमार राव और विक्की की टाइमिंग कमाल है। उन्होंने विक्की के कैरेक्टर को ऐसा पकड़ा जो बाकी किसी के बस की बात नहीं। फिर अभिषेक बनर्जी और अपार शक्ति भी अच्छा साथ देते हैं, लेकिन हंसाने के चक्कर में कहीं कहीं मामला थोड़ा लाउड कर जाते हैं। श्रद्धा कपूर ने अच्छा काम किया है। उनकी जिस तरह की अनाम और रहस्यमय छवि बनाई गई है, उसे श्रद्धा कपूर ने बहुत ही ईमानदारी के साथ पर्दे पर पेश किया है। पंकज त्रिपाठी जिस अंदाज में डायलॉग बोलते हैं, मज़ेदार हैं। उनके वन लाइनर फैन को सर्दियाँ गुदगुदाएंगे। स्त्री 2 के वर्डिक्ट की बात करें तो स्त्री के फैंस के लिए एक परफेक्ट फिल्म है। फिर वो हॉरर कॉमेडी के शौकीन हैं, उन्हें भी पसंद आएगी। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी के फैंस भी इस फिल्म को पसंद करेंगे। फिल्म में कई सीन और बातें अटपटे लग सकते हैं, लेकिन हॉरर कॉमेडी के नाम पर उन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है। इस तरह स्त्री 2 का भरपूर फायदा तभी उठाया जा सकता है जिसमें दिमाग नहीं बल्कि दिल लगाया जाए। आसान नहीं होता है बड़े पर्दे पर काल्पनिक किरदारों की ऐसी आभासी दुनिया बसाना जिसे दर्शक अपनी दुनिया मान बैठे और इसके किरदारों से अपनापन मानने लगे। 6 साल पहले चर्चित लेखक निर्देशक जोड़ी राज और डीके ने निर्माता दिनेश बिजन और निर्देशक अमर कौशिक को अपनी एक कहानी सौंपी थी, स्त्री। स्त्री जो छोटे से शहर चंदेरी के पुरुषों को उठा ले जाती है, उसका अतीत मार्मिक है। उसके प्रेमी के साथ उसे जिंदा जला दिया गया उसकी अपनी बेटी के सामने, और जब स्त्री का क्रोध शांत होता है और वह खुद ही उस नगर की रक्षक बन जाती है जिन दीवारों पर पहले लिखा होता था वो स्त्री कल आना, उन दीवारों पर लिखा रहने लगा वो स्त्री रक्षा करना। लेकिन क्या होगा जब ये स्त्री इस नगर को छोड़कर चली जाएगी। फिल्म स्त्री 2 की कहानी उतनी ही है जितनी आप इसके ट्रेलर में देख चुके हैं, लेकिन इसकी अंतरधारा बहुत मारक है। कुछ कुछ देश में बने उन हालात जैसी जहाँ सब किसी एक के पीछे आँखें मूंद कर चल पड़ते हैं। सिनेमा अगर अपने समय के समाज पर टिप्पणी नहीं करता तो वह सिनेमा नहीं कहलाता है। फिल्म स्त्री 2 में भी इसके लेखक नीरेन भट्ट ने तमाम मनोरंजक मसालों के बीच एक कहानी छोटी सी ऐसी बूंदी है जिसे समझने वाले जरूर समझ सकेंगे। बाहर बड़ी बड़ी बातें करने वाले समाज सेवियों के घर में महिलाओं की हालत क्या है, क्या अब भी महिलाओं की आधुनिकता को छोटे कस्बों में स्वीकारा जाता है, क्या उनका चूल्हा चौका और पति के साथ उनकी मर्जी होने पर हम बिस्तर होना ही पत्नी धर्म है, और क्या चाहता है पितृसत्तात्मक समाज जब कोई स्त्री अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी दुनिया बनाना चाहे। फिल्म इन सारे सवालों को बिना कहे प्रकट किए एक ऐसे मनोरंजन कहानी के साथ पेश करती है जिसे किसी ने रसगुल्ले में रखकर बच्चे को कुनैन की गोली खिला दी हो। अरसे बाद मुंबई के किसी प्रेस शो में हॉल हाउसफुल दिखा, तमाम लोग खड़े भी दिखे, बच्चे भी आए थे अपने अभिभावकों के साथ फिल्म देखने और हॉरर फिल्म का पूरा मजा भी लूटते दिखे। डर का अपना जो अलग आकर्षण होता है वह सबसे पहले किशोरा वय बच्चों को ही अपनी तरफ खींचता है। टीनएजर्स के बीच दुनिया भर में अब भी हॉरर सबसे लोकप्रिय सिने श्रेणी है, और इस साल हिंदी की अधपकी 2 फिल्में शैतान और मुंजा से निराश हुए हॉरर के पक्के मुरीदों के लिए फिल्म स्त्री 2 किसी पार्टी से कम नहीं है। मुंजा से अमर कौशिक और दिनेश बिजन ने कंप्यूटर जनित किरदार पर्दे पर पेश किया, और वह किरदार दरअसल स्त्री 2 के लिए दर्शकों को तैयार करने की पाठशाला थी। फिल्म स्त्री 2 में वही शहर चंदेरी है जहां 6 साल पहले एक अनाम युवती ने स्त्री की चोटी काटकर अपनी चोटी में मिला ली थी असीमित शक्तियां पाने के लिए विक्की।
फिल्म स्त्री 2 में वही शहर चंदेरी है जहां 6 साल पहले एक अनाम युवती ने स्त्री की चोटी काटकर अपनी चोटी में मिला ली थी असीमित शक्तियां पाने के लिए। विक्की उसे अब भी चाहता है, उसके सपने भी देखता है और इस चक्कर में इतना फिट हो चुका है कि असल में उसके सामने आने पर भी उसे यकीन नहीं होता। उधर स्त्री गई तो सिरकटा आ गया। दहशत का दूसरा नाम है ये दैत्याकार प्रेत। इससे निपटने में चंदेरी के लोगों की मदद करने ये युवती फिर से लौटती है और इस बार अपना अतीत, वर्तमान, भविष्य सब जाते जाते बता जाती है। वर्ड धोन वाली भेड़िया भी इस यूनिवर्स से आ मिली है। लेकिन फिल्म का असल आकर्षण और सबसे बड़ा सरप्राइज है अक्षय कुमार का किरदार। ये किरदार क्या है ये आप फिल्म देखकर ही समझ जाएंगे। बतौर रचयिता यह फिल्म अमर कौशिक की है। फिल्म की कहानी की शुरुआत थोड़ी अतार्किक होते हुए भी फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है दर्शकों को अपनी डरावनी दुनिया के साथ सांस लेने के लिए तैयार कर लेती है। फिल्म स्त्री की तरह यहाँ भी अमर कौशिक ने पूरा तानापना श्रद्धा कपूर के किरदार के इर्द गिर्द ही रचा है। राजकुमार राव, अपार शक्ति खुराना, अभिषेक बनर्जी और पंकज त्रिपाठी सब इस एक अलौकिक चरित्र के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। फिल्म खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती है, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके बाद फिल्म में दो गाने और हैं। एक पर्दे पर श्रद्धा कपूर गाते दिखती हैं राजकुमार राव के साथ और दूसरा वरुण धवन के साथ। ऐसा क्यों, ये भी फिल्म देखकर ही समझना ज्यादा ठीक रहेगा। अमर कौशिक बतौर निर्देशक इस फिल्म में 100 में से 100 नंबर लाने के कामयाब रहे हैं और ऐसी कॉपी लिखने के लिए उनको सारी तैयारी करने में मदद करने के लिए निर्माता दिनेश बिजन को भी 100 नंबर ही मिलने चाहिए। कलाकारों में से 100 में से 100 नंबर लाने वाली पिछली फिल्म की तरह यहाँ भी एक ही कलाकार हैं और वह हैं श्रद्धा कपूर। हिंदी सिनेमा की सियासत के निशाने पर रही श्रद्धा कपूर ने अपने बोते बड़े पर्दे पर अपना जो मुकाम बनाया है उसकी पूरी कहानी फिर कभी। यहाँ इतना समझना जरूरी है कि फिल्म स्त्री से जो सिलसिला श्रद्धा कपूर ने हिंदी सिनेमा में शुरू किया है वह अभी रुकने वाला नहीं है। स्त्री 2 ने उनका तिलिस्म और बढ़ाया और इससे करिश्मा का है या उनकी शख्सियत का जादू कि उनकी सीधी साधी इस छवि के आगे तमन्ना मिल्क भाटिया का रूप रंग भी पानी मांगता नजर आता है। पुरुष कलाकारों में राजकुमार राव के करियर की आखिरी हिट फिल्म स्त्री रही है और स्त्री 2 से उन्हें नया जीवनदान मिला है। अपार शक्ति का काम वेब सीरीज जुबली के बाद से निखरता जा रहा है। अभिषेक बनर्जी को फिल्म बेदा में दर्शकों ने जहाँ पूरी तरह नकार दिया वही जना के किरदार में यहाँ उन्होंने खूब तारियां लूटी और पंकज त्रिपाठी उनका तो बस नाम ही काफ़ी है। उंगली चलाकर और गर्दन हिलाकर अभिनय करने का उनका अंदाज फिल्म दर फिल्म अटल है। अतुल श्रीवास्तव और राजकुमार राव के बीच पिता पुत्र के संवाद एक बार फिर एडल्ट मोड में निकल गए हैं। फिल्म में एक दो जगह द्विवर्ती संवाद भी हैं लेकिन ये सबकी समझ में आ जाए ये जरूरी भी नहीं। फिल्म मस्त है। आज़ादी की सालगिरह से लेकर रक्षाबंधन तक के अवकाश उत्सव में जब मौका और टिकट दोनों मिल जाएं इसे देखने जा सकते हैं। हॉरर कॉमेडी जानर को सही मायनों में प्रचलित कराने का श्रेय स्त्री को जाता है, मगर जब मेकर को अपनी सफल और प्रतिष्ठित हॉरर कॉमेडी का सिक्वल बनाना हो तो चुनौती कड़ी होती है। जाहिर सी बात है, फिल्म मेकर को एक ऐसी काल्पनिक दुनिया गढ़नी होती है जो हंसाते हंसाते डराए और डराते डराते हंसाए, मगर जब दर्शक उस दुनिया का हिस्सा बनकर डरने लगता है, कह कहे लगाने लगता है, तो समझो किला फतेह है। निर्देशक अमर कौशिक इस डराने हंसाने के सिलसिले में जरा भी चूके नहीं। स्त्री 2 में पार्ट 1 के किरदारों के आकर्षण के साथ कुछ चौंकने वाले चरित्र जोड़े गए हैं इस बार कॉमेडी और हॉरर का कॉम्बिनेशन भी कम डेडली नहीं है। कहानी की बात की जाए तो स्त्री के फैंस जानते ही हैं कि पार्ट 1 में स्त्री ने पुरुषों का अपहरण किया था, मगर इस बार कहानी में एक नए भयावह दानव सरकटा की एंट्री होती है। सरकटा महिलाओं को आक्रांत कर उनका अपहरण करता है। कहानी उसी चंदेरी गांव से शुरू होती है जहां कल तक लोग स्त्री से आतंकित थे, मगर अब दीवारों पर लिखा है ओ स्त्री रक्षा करना। हाल फिलहाल में गांव में सब ठीक ही चल रहा होता है कि एक दिन अचानक बिट्टू की गर्लफ्रेंड चिट्टी को सरकटा तबाही मचा कर ले जाता है। विक्की को आज भी उस अनाम रहस्यमय लड़की का इंतजार है, मगर रुद्र को एक दिन एक खत द्वारा चंदेरी पुराण के फटे हुए पन्ने मिलते हैं जिससे निष्कर्ष निकलता है कि दिल्ली में रहने वाले जना की मदद से सरकटा का पता लगाया जा सकता है। इस बीच रहस्यमयी लड़की श्रद्धा भी चंदेरी वापस आ गई है, मगर जब सरकटा रुद्र की नर्तकी प्रेमिका समा का अपहरण कर लेता है और गांव के बिट्टू सहित कई मर्दों को अपने वश में करके महिलाओं की आज़ादी पर बंदिश लगवा देता है, तब रुद्र, श्रद्धा, विकी और जना सरकटा के संहार के लिए कमर कस लेते हैं। क्या इनकी चौकड़े सरकटा का विनाश कर पाती है? क्या
जब गांव से अगवा की गई लड़कियों को सरकटा के चंगुल से बचाया जाता है, क्या इस बार विकी को उसका प्यार मिल पाता है, यही इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। निर्देशक अमर कौशिक कहानी के पहले भाग में खूब मजे करवाते हैं। दैत्याकार भयानक दानों की एंट्री से लेकर तमाम चरित्रों की दहशत और उस डर से उपजी कॉमेडी एंटरटेनमेंट का तगड़ा जोश पेश करती है, मगर सेकंड हाफ में कहानी थोड़ी एवरेज हो जाती है। फिल्म में राक्षस और उनके साम्राज्य के खात्मे को लेकर जिस तरह की दुनिया और विजुअल्स परोसे गए हैं, उसमें बीएफएक्स का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है। क्लाइमैक्स में वरुण धवन के साथ साथ अक्षय कुमार की एंट्री एंटरटेनमेंट की मात्रा को तो जोड़ती ही है, साथ साथ हॉरर कॉमेडी के इस यूनिवर्स में स्त्री भेड़िया के कॉम्बिनेशन का इशारा भी कर देती है। इस सीक्वल का डायरेक्टर अमर कौशिक महिलाओं की आज़ादी के मुद्दे पर भी मनोरंजक ढंग से बात करते हैं। हाँ, अंत थोड़ा खिंचा हुआ लगता है। हालांकि म्यूजिक की बात की जाए तो आई नई खूबसूरत और आज की रात जैसे गीत म्यूजिक लवर्स को पहले ही पसंद आ रहे हैं। हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक और बेहतर हो सकता था। एक्टिंग पक्ष हर तरह से बीस साबित होता है। फिल्म की पूरी कास्ट ने हॉरर कॉमेडी को अपने पात्रों के जरिए जीवित किया है। विकी के रूप में राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर एक बार फिर अपनी भूमिकाओं से पहले फिल्म को संपन्न प्रदान करते हैं। राजकुमार का देसी लहजा और बॉडी लैंग्वेज खूब हंसाता है। श्रद्धा कपूर बेहद खूबसूरत और दमदार लगी हैं। राक्षस का सामना करने वाले उनके सीन बहुत ही जानदार बन पड़े हैं। उन्होंने अपनी आंखों के जरिए एक्टिंग की है। डायरेक्टर को उन्हें और ज़्यादा स्क्रीन टाइम देना चाहिए था। रुद्र के रूप में पंकज त्रिपाठी खूब चमकते हैं, उनके वन लाइनर्स खुद गुदगुदाते हैं, तो जना के रोल में अभिषेक बनर्जी पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर देते हैं। अपार शक्ति खुराना ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। तमन्ना भाटिया आइटम सॉन्ग आज की रात में खूब जमी हैं। सरप्राइज पैकेज के रूप में अक्षय कुमार थोड़ी देर की मौजूदगी में ही कमाल कर जाते हैं। स्त्री फिल्म 6 साल पहले 2018 में रिलीज हुई थी। 25 करोड़ के मामूली बजट पर बनी इस फिल्म ने 150 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का कारोबार किया था। फिल्म का निर्देशन अमर कौशिक ने किया था। फिल्म में राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अभिषेक बनर्जी, अपार शक्ति खुराना और पंकज त्रिपाठी नजर आए थे। अब साल 2024 है और स्त्री 2 लौट आई है, उसी डायरेक्टर, उसी स्टारकास्ट और एक ऐसे कैरेक्टर के साथ जिसकी चंदेरी में दहशत है। जी हाँ, स्त्री के जाने के बाद अब चंदेरी में सरकटा आ गया है। स्त्री जहाँ पुरुषों को उठाया करती थी, वही सरकटे के निशाने पर चंदेरी की लड़कियां हैं। अब चंदेरी में कोई भी दिक्कत आएगी तो उससे निपटने के लिए विकी एंड कंपनी तो आएगी ही, जिसमें पंकज त्रिपाठी भी शामिल हैं। बस सरकटे से निपटने की जिम्मेदारी श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव और उनके दोस्तों की है। सरकटे का खात्मा कैसे होता है, श्रद्धा कपूर किस तरह विकी एंड कंपनी की मदद करती है, इन सवालों के जवाब तो स्त्री देख कर ही मिलेंगे। लेकिन फिल्म में कॉमेडी और हॉरर का मजेदार छौंक है। फिल्म का पहला हाफ सर पर दौड़ता है और सरकटे के दर्शन के साथ डराता भी है, तो विकी एंड कंपनी की हरकतों से गुदगुदाता भी है। लेकिन सेकंड हाफ में आकर अमर कौशिक थोड़े उलझ जाते हैं। जिस तरह से सरकटे से निपटा जाता है और चीज़ों को दिखाया जाता है, वह माहौल थोड़ा खींचा हुआ सा लगता है। बाकी स्त्री 2 में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत तो है नहीं। फिर समय समय पर आपको कुछ कैमियो भी नजर आएंगे, तो उनके लिए तैयार रहें। हाँ, ध्यान रहे, फिल्म का एक मैसेज लेकर भी आई है। अब एक्टिंग की बात करें तो राजकुमार राव और विकी की टाइमिंग कमाल है। उन्होंने विकी के कैरेक्टर को ऐसा पकड़ा जो बाकी किसी के बस की बात नहीं। फिर अभिषेक बनर्जी और अपार शक्ति भी अच्छा साथ देते हैं, लेकिन हंसाने के चक्कर में कहीं कहीं मामला थोड़ा लाउड कर जाते हैं। श्रद्धा कपूर ने अच्छा काम किया है। उनकी जिस तरह की अनाम और रहस्यमय छवि बनाई गई है, उसे श्रद्धा कपूर ने बहुत ही ईमानदारी के साथ पर्दे पर पेश किया है। पंकज त्रिपाठी जिस अंदाज में डायलॉग बोलते हैं, मज़ेदार हैं। उनके वन लाइनर फैन को सर्दियाँ गुदगुदाएंगे। स्त्री 2 के वर्डिक्ट की बात करें तो स्त्री के फैंस के लिए एक परफेक्ट फिल्म है। फिर वो हॉरर कॉमेडी के शौकीन हैं, उन्हें भी पसंद आएगी। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी के फैंस भी इस फिल्म को पसंद करेंगे। फिल्म में कई सीन और बातें अटपटी लग सकते हैं, लेकिन हॉरर कॉमेडी के नाम पर उन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है। इस तरह स्त्री 2 का भरपूर फायदा तभी उठाया जा सकता है जिसमें दिमाग नहीं बल्कि दिल लगाया जाए। आसान नहीं होता है बड़े पर्दे पर काल्पनिक किरदारों की ऐसी आभासी दुनिया बसाना जिसे दर्शक अपनी दुनिया मान बैठे और इसके किरदारों से अपना पन मानने लगे। 6 साल पहले चर्चित लेखक निर्देशक जोड़ी राज और डीके ने निर्माता दिनेश बिजन और निर्देशक अमर कौशिक को अपनी एक कहानी सौंपी थी, स्त्री। स्त्री जो छोटे से शहर चंदेरी के पुरुषों को उठा ले जाती है, उसका अतीत मार्मिक है। उसके प्रेमी के साथ उसे जिंदा जला दिया गया उसकी अपनी बेटी के सामने, और जब स्त्री का क्रोध शांत होता है
और वह खुद ही उस नगर की रक्षक बन जाती है जिन दीवारों पर पहले लिखा होता था वो स्त्री कल आना, उन दीवारों पर लिखा रहने लगा वो स्त्री रक्षा करना। लेकिन क्या होगा जब ये स्त्री इस नगर को छोड़कर चली जाएगी। फिल्म स्त्री 2 की कहानी उतनी ही है जितनी आप इसके ट्रेलर में देख चुके हैं, लेकिन इसकी अंतरधारा बहुत मारक है। कुछ कुछ देश में बने उन हालात जैसी जहाँ सब किसी एक के पीछे आँखें मूंद कर चल पड़ते हैं। सिनेमा अगर अपने समय के समाज पर टिप्पणी नहीं करता तो वह सिनेमा नहीं कहलाता है। फिल्म स्त्री 2 में भी इसके लेखक नीरेन भट्ट ने तमाम मनोरंजक मसालों के बीच एक कहानी छोटी सी ऐसी बूंदी है जिसे समझने वाले जरूर समझ सकेंगे। बाहर बड़ी बड़ी बातें करने वाले समाज सेवियों के घर में महिलाओं की हालत क्या है, क्या अब भी महिलाओं की आधुनिकता को छोटे कस्बों में स्वीकारा जाता है, क्या उनका चूल्हा चौका और पति के साथ उनकी मर्जी होने पर हम बिस्तर होना ही पत्नी धर्म है, और क्या चाहता है पितृसत्तात्मक समाज जब कोई स्त्री अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी दुनिया बनाना चाहे। फिल्म इन सारे सवालों को बिना कहे प्रकट किए एक ऐसे मनोरंजन कहानी के साथ पेश करती है जिसे किसी ने रसगुल्ले में रखकर बच्चे को कुनैन की गोली खिला दी हो। अरसे बाद मुंबई के किसी प्रेस शो में हाल हाउसफुल दिखा, तमाम लोग खड़े भी दिखे, बच्चे भी आए थे अपने अभिभावकों के साथ फिल्म देखने और हॉरर फिल्म का पूरा मजा भी लूटते दिखे। डर का अपना जो अलग आकर्षण होता है वह सबसे पहले किशोरा वह बच्चों को ही अपनी तरफ खींचता है। टीनएजर्स के बीच दुनिया भर में अब भी हॉरर सबसे लोकप्रिय सिने श्रेणी है, और इस साल हिंदी की अथपक्की दो फिल्में शैतान और मुंजा से निराश हुए हॉरर के पक्के मुरीदों के लिए फिल्म स्त्री 2 किसी पार्टी से कम नहीं है। मुंजा से अमर कौशिक और दिनेश बिजन ने कंप्यूटर जनित किरदार पर्दे पर पेश किया, और वह किरदार दरअसल स्त्री 2 के लिए दर्शकों को तैयार करने की पाठशाला थी। फिल्म स्त्री 2 में वही शहर चंदेरी है जहां 6 साल पहले एक अनाम युवती ने स्त्री की चोटी काटकर अपनी चोटी में मिला ली थी, असीमित शक्तियां पाने के लिए बिकी। फिल्म स्त्री 2 में वही शहर चंदेरी है जहां 6 साल पहले एक अनाम युवती ने स्त्री की चोटी काटकर अपनी चोटी में मिला ली थी, असीमित शक्तियां पाने के लिए बिक्की उसे अब भी चाहता है, उसके सपने भी देखता है, और इस चक्कर में इतना फिट हो चुका है कि असल में उसके सामने आने पर भी उसे यकीन नहीं होता। उधर स्त्री गई तो सिरकटा आ गया। दहशत का दूसरा नाम है ये दैत्याकार प्रेत। इससे निपटने में चंदेरी के लोगों की मदद करने ये युवती फिर से लौटती है, और इस बार अपना अतीत, वर्तमान, भविष्य सब जाते जाते बता जाती है। वोड़ धोन वाली भेड़िया भी इस यूनिवर्स से आ मिली है, लेकिन फिल्म का असल आकर्षण और सबसे बड़ा सरप्राइज है अक्षय कुमार का किरदार। ये किरदार क्या है ये आप फिल्म देखकर ही समझ जाएंगे। बतौर रचयिता ये फिल्म अमर कौशिक की है। फिल्म की कहानी की शुरुआत थोड़ी अतार्किक होते हुए भी फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है दर्शकों को अपनी डरावनी दुनिया के साथ सांस लेने के लिए तैयार कर लेती है। फिल्म स्त्री की तरह यहाँ भी अमर कौशिक ने पूरा ताना बना श्रद्धा कपूर के किरदार के इर्द गिर्द ही रचा है। राजकुमार राव, अपार शक्ति खुराना, अभिषेक बनर्जी और पंकज त्रिपाठी सब इस एक अलौकिक चरित्र के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। फिल्म खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती है, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके बाद फिल्म में 2 गाने और हैं। एक पर्दे पर श्रद्धा कपूर गाते दिखती हैं राजकुमार राव के साथ, और दूसरा वरुण धवन के साथ। ऐसा क्यों, ये भी फिल्म देखकर ही समझना ज्यादा ठीक रहेगा। अमर कौशिक बतौर निर्देशक इस फिल्म में 100 में से 100 नंबर लाने के कामयाब रहे हैं, और ऐसी कॉपी लिखने के लिए उनको सारी तैयारी करने में मदद करने के लिए निर्माता दिनेश बिजन को भी 100 नंबर ही मिलने चाहिए। कलाकारों में से 100 में से 100 नंबर लाने वाली पिछली फिल्म की तरह यहाँ भी एक ही कलाकार हैं, और वह हैं श्रद्धा कपूर। हिंदी सिनेमा की सियासत के निशाने पर रही श्रद्धा कपूर ने अपने बोते बड़े पर्दे पर अपना जो मुकाम बनाया है उसकी पूरी कहानी फिर कभी। यहाँ इतना समझना जरूरी है कि फिल्म स्त्री से जो सिलसिला श्रद्धा कपूर ने हिंदी सिनेमा में शुरू किया है वह अभी रुकने वाला नहीं है। स्त्री 2 ने उनका तिलिस्म और बढ़ाया, और इससे करिश्मा का है या उनकी शख्सियत का जादू कि उनकी सीधी साधी इस छवि के आगे तमन्ना मिल्क भाटिया का रूप रंग भी पानी मांगता नजर आता है। पुरुष कलाकारों में राजकुमार राव के करियर की आखिरी हिट फिल्म स्त्री रही है, और स्त्री 2 से उन्हें नया जीवनदान मिला है। अपार शक्ति का काम वेब सीरीज जुबली के बाद से निखरता जा रहा है। अभिषेक बनर्जी को फिल्म बेदा में दर्शकों ने जहाँ पूरी तरह नकार दिया, वही जना के किरदार में यहाँ उन्होंने खूब तारियां लूटी, और पंकज त्रिपाठी उनका तो बस नाम ही काफ़ी है। उंगली चलाकर और गर्दन हिलाकर अभिनय करने का उनका अंदाज
फिल्म दर फिल्म अटल है। अतुल श्रीवास्तव और राजकुमार राव के बीच पिता पुत्र के संवाद एक बार फिर एडल्ट मोड में निकल गए हैं। फिल्म में एक जगह द्विवर्ती संवाद भी हैं, लेकिन ये सब की समझ में आ जाए ये जरूरी भी नहीं। फिल्म मस्त है। आज़ादी की सालगिरह से लेकर रक्षाबंधन तक के अवकाश उत्सव में जब मौका और टिकट दोनों मिल जाए इसे देखने जा सकते हैं। हॉरर कॉमेडी जानर को सही मायनों में प्रचलित कराने का श्रेय स्त्री को जाता है, मगर जब मेकर को अपनी सफल और प्रतिष्ठित हॉरर कॉमेडी का सिक्वल बनाना हो तो चुनौती कड़ी होती है। जाहिर सी बात है, फिल्म मेकर को एक ऐसी काल्पनिक दुनिया गढ़नी होती है जो हंसाते हंसाते डराए और डराते डराते हंसाए, मगर जब दर्शक उस दुनिया का हिस्सा बनकर डरने लगता है, कह कहे लगाने लगता है, तो समझो कि लापते है। निर्देशक अमर कौशिक इस डराने हंसाने के सिलसिले में जरा भी चूके नहीं। स्त्री 2 में पार्ट 1 के किरदारों के आकर्षण के साथ कुछ चौंकने वाले चरित्र जोड़े गए हैं इस बार कॉमेडी और हॉरर का कॉम्बिनेशन भी कम डेडली नहीं है। कहानी की बात की जाए तो स्त्री के फैंस जानते ही हैं कि पार्ट 1 में स्त्री ने पुरुषों का अपहरण किया था, मगर इस बार कहानी में एक नए भयावह दानव सरकटा की एंट्री होती है। सरकटा महिलाओं को आक्रांत कर उनका अपहरण करता है। कहानी उसी चंदेरी गांव से शुरू होती है जहां कल तक लोग स्त्री से आतंकित थे, मगर अब दीवारों पर लिखा है ओ स्त्री रक्षा करना। हाल फिलहाल में गांव में सब ठीक ही चल रहा होता है कि एक दिन अचानक बिट्टू की गर्लफ्रेंड चिट्टी को सरकटा तबाही मचा कर ले जाता है। बिक्की को आज भी उस अनाम रहस्यमय लड़की का इंतजार है, मगर रुद्र को एक दिन एक खत द्वारा चंदेरी पुराण के फटे हुए पन्ने मिलते हैं, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि दिल्ली में रहने वाले जना की मदद से सरकटा का पता लगाया जा सकता है। इस बीच रहस्यमयी लड़की श्रद्धा भी चंदेरी वापस आ गई है, मगर जब सरकटा रुद्र की नर्तकी प्रेमिका समा का अपहरण कर लेता है और गांव के बिट्टू सहित कई मर्दों को अपने वश में करके महिलाओं की आज़ादी पर बंदिश लगवा देता है, तब रुद्र श्रद्धा बिकी और जना सरकटा के संहार के लिए कमर कस लेते हैं। क्या इनकी चौकड़े सरकटा का विनाश कर पाती है? क्या गांव से अगवा की गई लड़कियों को सरकटा के चंगुल से बचाया जाता है? क्या इस बार बिकी को उसका प्यार मिल पाता है? यही इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। निर्देशक अमर कौशिक कहानी के पहले भाग में खूब मजे करवाते हैं। दैत्याकार भयानक दानों के एंट्री से लेकर तमाम चरित्रों की दहशत और उस डर से उपजी कॉमेडी एंटरटेनमेंट का तगड़ा जोश पेश करती है, मगर सेकंड हाफ में कहानी थोड़ी एवरेज हो जाती है। फिल्म में राक्षस और उनके साम्राज्य के खात्मे को लेकर जिस तरह की दुनिया और विजुअल्स परोसे गए हैं उसमें VFX का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है। क्लाइमैक्स में वरुण धवन के साथ साथ अक्षय कुमार की एंट्री एंटरटेनमेंट की मात्रा को तो जोड़ती ही है, साथ साथ हॉरर कॉमेडी के इस यूनिवर्स में स्त्री भेड़िया के कॉम्बिनेशन का इशारा भी कर देती है। इस सीक्वल का डायरेक्टर अमर कौशिक महिलाओं की आज़ादी के मुद्दे पर भी मनोरंजक ढंग से बात करते हैं। हाँ, अंत थोड़ा खिंचा हुआ लगता है। हालांकि म्यूजिक की बात की जाए तो आई नई खूबसूरत और आज की रात जैसे गीत म्यूजिक लवर्स को पहले ही पसंद आ रहे हैं। हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक और बेहतर हो सकता था। एक्टिंग पक्ष हर तरह से बीस साबित होता है। फिल्म की पूरी कास्ट ने हॉरर कॉमेडी को अपने पात्रों के जरिए जीवित किया है। बिकी के रूप में राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर एक बार फिर अपनी भूमिकाओं से पहले फिल्म को संपन्न प्रदान करते हैं। राजकुमार का देसी लहजा और बॉडी लैंग्वेज खूब हंसाता है। श्रद्धा कपूर बेहद खूबसूरत और दमदार लगी हैं। राक्षस का सामना करने वाले उनके सीन बहुत ही जानदार बन पड़े हैं। उन्होंने अपनी आंखों के जरिए एक्टिंग की है। डायरेक्टर को उन्हें और ज़्यादा स्क्रीन टाइम देना चाहिए था। रुद्र के रूप में पंकज त्रिपाठी खूब चमकते हैं, उनके वन लाइनर्स खुद गुदगुदाते हैं, तो जना के रोल में अभिषेक बनर्जी पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर देते हैं। अपार शक्ति खुराना ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। तमन्ना भाटिया आइटम सॉन्ग आज की रात में खूब जमी हैं। सरप्राइज पैकेज के रूप में अक्षय कुमार थोड़ी देर की मौजूदगी में ही कमाल कर जाते हैं। स्त्री फिल्म 6 साल पहले 2018 में रिलीज हुई थी। 25 करोड़ के मामूली बजट पर बनी इस फिल्म ने 150 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का कारोबार किया था। फिल्म का निर्देशन अमर कौशिक ने किया था। फिल्म में राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अभिषेक बनर्जी, अपार शक्ति खुराना और पंकज त्रिपाठी नजर आए थे। अब साल 2024 है और स्त्री 2 लौट आई है, उसी डायरेक्टर, उसी स्टार कास्ट और एक ऐसे कैरेक्टर के साथ जिसकी चंदेरी में दहशत है। जी हाँ, स्त्री के जाने के बाद अब चंदेरी में सरकटा आ गया है। स्त्री
जहाँ पुरुषों को उठाया करते थे, वही सरकटे के निशाने पर चंदेरी की लड़कियाँ हैं। अब चंदेरी में कोई भी दिक्कत आएगी तो उससे निपटने के लिए विक्की एंड कंपनी तो आएगी ही, जिसमें पंकज त्रिपाठी भी शामिल हैं। बस सरकटे से निपटने की जिम्मेदारी श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव और उनके दोस्तों की है। सरकटे का खात्मा कैसे होता है, श्रद्धा कपूर किस तरह विक्की एंड कंपनी की मदद करती है, इन सवालों के जवाब तो स्त्री देख कर ही मिलेंगे। लेकिन फिल्म में कॉमेडी और हॉरर का मजेदार छौंक है। फिल्म का पहला हाफ सर पर दौड़ता है और सरकटे के दर्शन के साथ डराता भी है तो विक्की एंड कंपनी की हरकतों से गुदगुदाता भी है। लेकिन सेकंड हाफ में आकर अमर कौशिक थोड़े उलझ जाते हैं। जिस तरह से सरकटे से निपटा जाता है और चीज़ों को दिखाया जाता है, वह माहौल थोड़ा खींचा हुआ सा लगता है। बाकी स्त्री टू में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत तो है नहीं। फिर समय समय पर आपको कुछ कैमियो भी नजर आएंगे तो उनके लिए तैयार रहें। हाँ, ध्यान रहे, फिल्म का एक मैसेज लेकर भी आई है। अब एक्टिंग की बात करें तो राजकुमार राव और विक्की की टाइमिंग कमाल है। उन्होंने विक्की के कैरेक्टर को ऐसा पकड़ा जो बाकी किसी के बस की बात नहीं। फिर अभिषेक बनर्जी और अपार शक्ति भी अच्छा साथ देते हैं, लेकिन हंसाने के चक्कर में कहीं कहीं मामला थोड़ा लाउड कर जाते हैं। श्रद्धा कपूर ने अच्छा काम किया है। उनकी जिस तरह की अनाम और रहस्यमय छवि बनाई गई है, उसे श्रद्धा कपूर ने बहुत ही ईमानदारी के साथ पर्दे पर पेश किया है। पंकज त्रिपाठी जिस अंदाज में डायलॉग बोलते हैं, मज़ेदार हैं। उनके वन लाइनर फैन को सर्दियाँ गुदगुदाएंगे। स्त्री टू के वर्डिक्ट की बात करें तो स्त्री के फैंस के लिए ये एक परफेक्ट फिल्म है। फिर वो हॉरर कॉमेडी के शौकीन हैं, उन्हें भी पसंद आएगी। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी के फैंस भी इस फिल्म को पसंद करेंगे। फिल्म में कई सीन और बातें अटपटे लग सकते हैं, लेकिन हॉरर कॉमेडी के नाम पर उन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है। इस तरह स्त्री टू का भरपूर फायदा तभी उठाया जा सकता है जिसमें दिमाग नहीं बल्कि दिल लगाया जाए। आसान नहीं होता है बड़े पर्दे पर काल्पनिक किरदारों की ऐसी आभासी दुनिया बसाना जिसे दर्शक अपनी दुनिया मान बैठे और इसके किरदारों से अपनापन मानने लगे। 6 साल पहले चर्चित लेखक निर्देशक जोड़ी राज और डीके ने निर्माता दिनेश बिजन और निर्देशक अमर कौशिक को अपनी एक कहानी सौंपी थी, स्त्री। स्त्री जो छोटे से शहर चंदेरी के पुरुषों को उठा ले जाती है, उसका अतीत मार्मिक है। उसके प्रेमी के साथ उसे जिंदा जला दिया गया उसकी अपनी बेटी के सामने, और जब स्त्री का क्रोध शांत होता है और वह खुद ही उस नगर की रक्षक बन जाती है जिन दीवारों पर पहले लिखा होता था ओ स्त्री कल आना, उन दीवारों पर लिखा रहने लगा ओ स्त्री रक्षा करना। लेकिन क्या होगा जब ये स्त्री इस नगर को छोड़कर चली जाएगी। फिल्म स्त्री टू की कहानी उतनी ही है जितनी आप इसके ट्रेलर में देख चुके हैं, लेकिन इसकी अंतरधारा बहुत मारक है। कुछ कुछ देश में बने उन हालात जैसी जहाँ सब किसी एक के पीछे आँखें मूंद कर चल पड़ते हैं। सिनेमा अगर अपने समय के समाज पर टिप्पणी नहीं करता तो वह सिनेमा नहीं कहलाता है। फिल्म स्त्री टू में भी इसके लेखक नीरेन भट्ट ने तमाम मनोरंजक मसालों के बीच एक कहानी छोटी सी ऐसी बूंदी है जिसे समझने वाले जरूर समझ सकेंगे। बाहर बड़ी बड़ी बातें करने वाले समाज सेवियों के घर में महिलाओं की हालत क्या है, क्या अब भी महिलाओं की आधुनिकता को छोटे कस्बों में स्वीकारा जाता है, क्या उनका चूल्हा चौका और पति के साथ उनकी मर्जी होने पर हम बिस्तर होना ही पत्नी धर्म है, और क्या चाहता है पितृसत्तात्मक समाज जब कोई स्त्री अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी दुनिया बनाना चाहे। फिल्म इन सारे सवालों को बिना कहे प्रकट किए एक ऐसे मनोरंजन कहानी के साथ पेश करती है जिसे किसी ने रसगुल्ले में रखकर बच्चे को कुनैन की गोली खिला दी हो। अरसे बाद मुंबई के किसी प्रेस शो में हॉल हाउसफुल दिखा, तमाम लोग खड़े भी दिखे, बच्चे भी आए थे अपने अभिभावकों के साथ फिल्म देखने और हॉरर फिल्म का पूरा मजा भी लूटते दिखे। डर का अपना जो अलग आकर्षण होता है वह सबसे पहले किशोरा वय बच्चों को ही अपनी तरफ खींचता है। टीन एजर्स के बीच दुनिया भर में अब भी हॉरर सबसे लोकप्रिय सिने श्रेणी है, और इस साल हिंदी की अधपकी दो फिल्में शैतान और मुंजा से निराश हुए हॉरर के पक्के मुरीदों के लिए फिल्म स्त्री टू किसी पार्टी से कम नहीं है। मुंजा से अमर कौशिक और दिनेश बिजन ने कंप्यूटर जनित किरदार पर्दे पर पेश किया, और वह किरदार दरअसल स्त्री टू के लिए दर्शकों को तैयार करने की पाठशाला थी। फिल्म स्त्री टू में वही शहर चंदेरी है जहां 6 साल पहले एक अनाम युवती ने स्त्री की चोटी काटकर अपनी चोटी में मिला ली थी असीमित शक्तियां पाने के लिए विक्की। फिल्म स्त्री टू में वही शहर चंदेरी है जहां 6 साल पहले एक अनाम युवती ने स्त्री की चोटी काटकर अपनी चोटी में मिला ली थी असीमित शक्तियां पाने के लिए विक्की उसे अब भी चाहता है।
उसके सपने भी देखता है और इस चक्कर में इतना फिट हो चुका है कि असल में उसके सामने आने पर भी उसे यकीन नहीं होता। उधर स्त्री गई तो सिरकटा आ गया। दहशत का दूसरा नाम है ये दैत्याकार प्रेत। इससे निपटने में चंदेरी के लोगों की मदद करने ये युवती फिर से लौटती है और इस बार अपना अतीत, वर्तमान, भविष्य सब जाते जाते बता जाती है। वर्ड धोन वाली भेड़िया भी इस यूनिवर्स से आ मिली है। लेकिन फिल्म का असल आकर्षण और सबसे बड़ा सरप्राइज है अक्षय कुमार का किरदार। ये किरदार क्या है ये आप फिल्म देख कर ही समझ जाएंगे। बतौर रचयिता यह फिल्म अमर कौशिक की है। फिल्म की कहानी की शुरुआत थोड़ी अतार्किक होते हुए भी फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है दर्शकों को अपनी डरावनी दुनिया के साथ सांस लेने के लिए तैयार कर लेती है। फिल्म स्त्री की तरह यहाँ भी अमर कौशिक ने पूरा तानापना श्रद्धा कपूर के किरदार के इर्द गिर्द ही रचा है। राजकुमार राव, अपार शक्ति खुराना, अभिषेक बनर्जी और पंकज त्रिपाठी सब इस एक अलौकिक चरित्र के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। फिल्म खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती है, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके बाद फिल्म में दो गाने और हैं। एक पर्दे पर श्रद्धा कपूर गाते दिखती हैं राजकुमार राव के साथ और दूसरा वरुण धवन के साथ। ऐसा क्यों, ये भी फिल्म देखकर ही समझना ज्यादा ठीक रहेगा। अमर कौशिक बतौर निर्देशक इस फिल्म में 100 में से 100 नंबर लाने के कामयाब रहे हैं और ऐसी कॉपी लिखने के लिए उनको सारी तैयारी करने में मदद करने के लिए निर्माता दिनेश बिजन को भी 100 नंबर ही मिलने चाहिए। कलाकारों में से 100 में से 100 नंबर लाने वाली पिछली फिल्म की तरह यहाँ भी एक ही कलाकार हैं और वह हैं श्रद्धा कपूर। हिंदी सिनेमा की सियासत के निशाने पर रही श्रद्धा कपूर ने अपने बोते बड़े पर्दे पर अपना जो मुकाम बनाया है उसकी पूरी कहानी फिर कभी। यहाँ इतना समझना जरूरी है कि फिल्म स्त्री से जो सिलसिला श्रद्धा कपूर ने हिंदी सिनेमा में शुरू किया है वह अभी रुकने वाला नहीं है। स्त्री 2 ने उनका तिलिस्म और बढ़ाया और इससे करिश्मा का है या उनकी शख्सियत का जादू कि उनकी सीधी साधी इस छवि के आगे तमन्ना मिल्क भाटिया का रूप रंग भी पानी मांगता नजर आता है। पुरुष कलाकारों में राजकुमार राव के करियर की आखिरी हिट फिल्म स्त्री रही है और स्त्री 2 से उन्हें नया जीवनदान मिला है। अपार शक्ति का काम वेब सीरीज जुबली के बाद से निखरता जा रहा है। अभिषेक बनर्जी को फिल्म बेदा में दर्शकों ने जहाँ पूरी तरह नकार दिया वही जना के किरदार में यहाँ उन्होंने खूब तारियां लूटी और पंकज त्रिपाठी उनका तो बस नाम ही काफी है। उंगली चलाकर और गर्दन हिलाकर अभिनय करने का उनका अंदाज फिल्म दर फिल्म अटल है। अतुल श्रीवास्तव और राजकुमार राव के बीच पिता पुत्र के संवाद एक बार फिर एडल्ट मोड में निकल गए हैं। फिल्म में एक दो जगह द्विवर्ती संवाद भी हैं लेकिन ये सबकी समझ में आ जाए ये जरूरी भी नहीं। फिल्म मस्त है। आज़ादी की सालगिरह से लेकर रक्षाबंधन तक के अवकाश उत्सव में जब मौका और टिकट दोनों मिल जाएं इसे देखने जा सकते हैं। हॉरर कॉमेडी जानर को सही मायनों में प्रचलित कराने का श्रेय स्त्री को जाता है, मगर जब मेकर को अपनी सफल और प्रतिष्ठित हॉरर कॉमेडी का सिक्वल बनाना हो तो चुनौती कड़ी होती है। जाहिर सी बात है फिल्म मेकर को एक ऐसी काल्पनिक दुनिया गढ़नी होती है जो हंसाते हंसाते डराए और डराते डराते हंसाए, मगर जब दर्शक उस दुनिया का हिस्सा बनकर डरने लगता है, कह कहे लगाने लगता है तो समझो कि लापते है। निर्देशक अमर कौशिक इस डराने हंसाने के सिलसिले में जरा भी चूके नहीं। स्त्री 2 में पार्ट 1 के किरदारों के आकर्षण के साथ कुछ चौंकाने वाले चरित्र जोड़े गए हैं। इस बार कॉमेडी और हॉरर का कॉम्बिनेशन भी कम डेडली नहीं है। कहानी की बात की जाए तो स्त्री के फैंस जानते ही हैं कि पार्ट 1 में स्त्री ने पुरुषों का अपहरण किया था, मगर इस बार कहानी में एक नए भयावह दानव सरकटा की एंट्री होती है। सरकटा महिलाओं को आक्रांत कर उनका अपहरण करता है। कहानी उसी चंदेरी गांव से शुरू होती है जहां कल तक लोग स्त्री से आतंकित थे, मगर अब दीवारों पर लिखा है ओ स्त्री रक्षा करना। हाल फिलहाल में गांव में सब ठीक ही चल रहा होता है कि एक दिन अचानक बिट्टू की गर्लफ्रेंड चिट्टी को सरकटा तबाही मचा कर ले जाता है। बिक्की को आज भी उस अनाम रहस्यमय लड़की का इंतजार है, मगर रुद्र को एक दिन एक खत द्वारा चंदेरी पुराण के फटे हुए पन्ने मिलते हैं जिससे निष्कर्ष निकलता है कि दिल्ली में रहने वाले जना की मदद से सरकटा का पता लगाया जा सकता है। इस बीच रहस्यमय लड़की श्रद्धा भी चंदेरी वापस आ गई है, मगर जब सरकटा रुद्र की नर्तकी प्रेमिका समा का अपहरण कर लेता है और गांव के बिट्टू सहित कई मर्दों को अपने वश में करके महिलाओं की आज़ादी पर बंदिश लगवा देता है, तब रुद्र, श्रद्धा, बिकी और जना सरकटा के संहार के लिए कमर कस लेते हैं। क्या इनकी चौकड़े सरकटा का विनाश कर पाती है? क्या गाँव से
अगवा की गई लड़कियों को सरकटा के चंगुल से बचाया जाता है, क्या इस बार विक्की को उसका प्यार मिल पाता है, यही इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। निर्देशक अमर कौशिक कहानी के पहले भाग में खूब मजे करवाते हैं। दैत्याकार भयानक दानों की एंट्री से लेकर तमाम चरित्रों की दहशत और उस डर से उपजी कॉमेडी एंटरटेनमेंट का तगड़ा जोज पेश करती है, मगर सेकंड हाफ में कहानी थोड़ी एवरेज हो जाती है। फिल्म में राक्षस और उनके साम्राज्य के खात्मे को लेकर जिस तरह की दुनिया और विजुअल्स परोसे गए हैं उसमें VFX का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है। क्लाइमैक्स में वरुण धवन के साथ साथ अक्षय कुमार की एंट्री एंटरटेनमेंट की मात्रा को तो जोड़ती ही है, साथ साथ हॉरर कॉमेडी के इस यूनिवर्स में स्त्री भेड़िया के कॉम्बिनेशन का इशारा भी कर देती है। इस सीक्वल का डायरेक्टर अमर कौशिक महिलाओं की आज़ादी के मुद्दे पर भी मनोरंजक ढंग से बात करते हैं। हाँ, अंत थोड़ा खिंचा हुआ लगता है। हालांकि म्यूजिक की बात की जाए तो आई नई खूबसूरत और आज की रात जैसे गीत म्यूजिक लवर्स को पहले ही पसंद आ रहे हैं। हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक और बेहतर हो सकता था। एक्टिंग पक्ष हर तरह से बीस साबित होता है। फिल्म की पूरी कास्ट ने हॉरर कॉमेडी को अपने पात्रों के जरिए जीवित किया है। विक्की के रूप में राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर एक बार फिर अपनी भूमिकाओं से पहले फिल्म को संपन्न प्रदान करते हैं। राजकुमार का देसी लहजा और बॉडी लैंग्वेज खूब हंसाता है। श्रद्धा कपूर बेहद खूबसूरत और दमदार लगी हैं। राक्षस का सामना करने वाले उनके सीन बहुत ही जानदार बन पड़े हैं। उन्होंने अपनी आंखों के जरिए एक्टिंग की है। डायरेक्टर को उन्हें और ज़्यादा स्क्रीन टाइम देना चाहिए था। रुद्र के रूप में पंकज त्रिपाठी खूब चमकते हैं, उनके वन लाइनर्स खुद गुदगुदाते हैं, तो जना के रोल में अभिषेक बनर्जी पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर देते हैं। अपार शक्ति खुराना ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। तमन्ना भाटिया आइटम सॉन्ग आज की रात में खूब जमी हैं। सरप्राइज पैकेज के रूप में अक्षय कुमार थोड़ी देर की मौजूदगी में ही कमाल कर जाते हैं। स्त्री फिल्म 6 साल पहले 2018 में रिलीज हुई थी। 25 करोड़ के मामूली बजट पर बनी इस फिल्म ने 150 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का कारोबार किया था। फिल्म का निर्देशन अमर कौशिक ने किया था। फिल्म में राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अभिषेक बनर्जी, अपार शक्ति खुराना और पंकज त्रिपाठी नजर आए थे। अब साल 2024 है और स्त्री 2 लौट आई है, उसी डायरेक्टर, उसी स्टारकास्ट और एक ऐसे कैरेक्टर के साथ जिसकी चंदेरी में दहशत है। जी हाँ, स्त्री के जाने के बाद अब चंदेरी में सरकटा आ गया है। स्त्री जहाँ पुरुषों को उठाया करते थे, वही सरकटे के निशाने पर चंदेरी की लड़कियां हैं। अब चंदेरी में कोई भी दिक्कत आएगी तो उससे निपटने के लिए विक्की एंड कंपनी तो आएगी ही, जिसमें पंकज त्रिपाठी भी शामिल हैं। बस सरकटे से निपटने की जिम्मेदारी श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव और उनके दोस्तों की है। सरकटे का खात्मा कैसे होता है, श्रद्धा कपूर किस तरह विक्की एंड कंपनी की मदद करती है, इन सवालों के जवाब तो स्त्री देखकर ही मिलेंगे। लेकिन फिल्म में कॉमेडी और हॉरर का मजेदार छौंक है। फिल्म का पहला हाफ सर पर दौड़ता है और सरकटे के दर्शन के साथ डराता भी है, तो विक्की एंड कंपनी की हरकतों से गुदगुदाता भी है। लेकिन सेकंड हाफ में आकर अमर कौशिक थोड़े उलझ जाते हैं। जिस तरह से सरकटे से निपटा जाता है और चीज़ों को दिखाया जाता है, वह माहौल थोड़ा खींचा हुआ सा लगता है। बाकी स्त्री 2 में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत तो है नहीं। फिर समय समय पर आपको कुछ कैमियो भी नजर आएंगे तो उनके लिए तैयार रहें। हाँ, ध्यान रहे, फिल्म का एक मैसेज लेकर भी आई है। अब एक्टिंग की बात करें तो राजकुमार राव और विक्की की टाइमिंग कमाल है। उन्होंने विक्की के कैरेक्टर को ऐसा पकड़ा जो बाकी किसी के बस की बात नहीं। फिर अभिषेक बनर्जी और अपार शक्ति भी अच्छा साथ देते हैं, लेकिन हंसाने के चक्कर में कहीं कहीं मामला थोड़ा लाउड कर जाते हैं। श्रद्धा कपूर ने अच्छा काम किया है। उनकी जिस तरह की अनाम और रहस्यमय छवि बनाई गई है, उसे श्रद्धा कपूर ने बहुत ही ईमानदारी के साथ पर्दे पर पेश किया है। पंकज त्रिपाठी जिस अंदाज में डायलॉग बोलते हैं, मजेदार हैं, उनके वन लाइनर फैन को सर्दियां गुदगुदाएंगे। स्त्री 2 के वर्डिक्ट की बात करें तो स्त्री के फैंस के लिए एक परफेक्ट फिल्म है। फिर वो हॉरर कॉमेडी के शौकीन हैं, उन्हें भी पसंद आएगी। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी के फैंस भी इस फिल्म को पसंद करेंगे। फिल्म में कई सीन और बातें अटपटे लग सकते हैं, लेकिन हॉरर कॉमेडी के नाम पर उन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है। इस तरह स्त्री 2 का भरपूर फायदा तभी उठाया जा सकता है जिसमें दिमाग नहीं बल्कि दिल लगाया जाए। आसान नहीं होता है बड़े पर्दे पर काल्पनिक किरदारों की ऐसी आभासी दुनिया बसाना जिसे दर्शक अपनी दुनिया मान बैठे और इसके किरदारों से अपनापन मानने लगे। 6 साल पहले चर्चित लेखक निर्देशक जोड़ी राज और डीके ने निर्माता दिनेश बिजन और निर्देशक अमर कौशिक को अपनी एक कहानी सौंपी थी, स्त्री। स्त्री जो छोटे से शहर चंदेरी के पुरुषों को उठा ले जाती है, उसका अतीत मार्मिक है। उसके प्रेमी के साथ उसे जिंदा जला दिया गया उसकी अपनी बेटी के सामने, और जब स्त्री का क्रोध शांत होता है
और वह खुद ही उस नगर की रक्षक बन जाती है जिन दीवारों पर पहले लिखा होता था ओ स्त्री कल आना, उन दीवारों पर लिखा रहने लगा ओ स्त्री रक्षा करना। लेकिन क्या होगा जब ये स्त्री इस नगर को छोड़कर चली जाएगी। फिल्म स्त्री 2 की कहानी उतनी ही है जितनी आप इसके ट्रेलर में देख चुके हैं, लेकिन इसकी अंतरधारा बहुत मारक है। कुछ कुछ देश में बने उन हालात जैसी जहाँ सब किसी एक के पीछे आँखें मूंद कर चल पड़ते हैं। सिनेमा अगर अपने समय के समाज पर टिप्पणी नहीं करता तो वह सिनेमा नहीं कहलाता है। फिल्म स्त्री 2 में भी इसके लेखक नीरेन भट्ट ने तमाम मनोरंजक मसालों के बीच एक कहानी छोटी सी ऐसी बूंदी है जिसे समझने वाले जरूर समझ सकेंगे। बाहर बड़ी बड़ी बातें करने वाले समाज सेवियों के घर में महिलाओं की हालत क्या है, क्या अब भी महिलाओं की आधुनिकता को छोटे कस्बों में स्वीकारा जाता है, क्या उनका चूल्हा चौका और पति के साथ उनकी मर्जी होने पर हम बिस्तर होना ही पत्नी धर्म है, और क्या चाहता है पितृसत्तात्मक समाज जब कोई स्त्री अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी दुनिया बनाना चाहे। फिल्म इन सारे सवालों को बिना कहे प्रकट किए एक ऐसे मनोरंजन कहानी के साथ पेश करती है जिसे किसी ने रसगुल्ले में रखकर बच्चे को कुनैन की गोली खिला दी हो। अरसे बाद मुंबई के किसी प्रेस शो में हॉल हाउसफुल दिखा, तमाम लोग खड़े भी दिखे, बच्चे भी आए थे अपने अभिभावकों के साथ फिल्म देखने और हॉरर फिल्म का पूरा मजा भी लूटते दिखे। डर का अपना जो अलग आकर्षण होता है वह सबसे पहले किशोरा वय बच्चों को ही अपनी तरफ खींचता है। टीनएजर्स के बीच दुनिया भर में अब भी हॉरर सबसे लोकप्रिय सिने श्रेणी है, और इस साल हिंदी की अतपकी 2 फिल्में शैतान और मुंजा से निराश हुए हॉरर के पक्के मुरीदों के लिए फिल्म स्त्री 2 किसी पार्टी से कम नहीं है। मुंजा से अमर कौशिक और दिनेश बिचन ने कंप्यूटर जनित किरदार पर्दे पर पेश किया, और वह किरदार दरअसल स्त्री 2 के लिए दर्शकों को तैयार करने की पाठशाला थी। फिल्म स्त्री 2 में वही शहर चंदेरी है जहां 6 साल पहले एक अनाम युवती ने स्त्री की चोटी काटकर अपनी चोटी में मिला ली थी असीमित शक्तियां पाने के लिए बिकी। फिल्म स्त्री 2 में वही शहर चंदेरी है जहां 6 साल पहले एक अनाम युवती ने स्त्री की चोटी काटकर अपनी चोटी में मिला ली थी असीमित शक्तियां पाने के लिए। बिक्की उसे अब भी चाहता है, उसके सपने भी देखता है, और इस चक्कर में इतना फिट हो चुका है कि असल में उसके सामने आने पर भी उसे यकीन नहीं होता। उधर स्त्री गई तो सिरकटा आ गया। दहशत का दूसरा नाम है ये दैत्याकार प्रेत। इससे निपटने में चंदेरी के लोगों की मदद करने ये युवती फिर से लौटती है, और इस बार अपना अतीत वर्तमान भविष्य सब जाते जाते बता जाती है। वर्ण धोन वाली भेड़िया भी इस यूनिवर्स से आ मिली है, लेकिन फिल्म का असल आकर्षण और सबसे बड़ा सरप्राइज है अक्षय कुमार का किरदार। ये किरदार क्या है ये आप फिल्म देखकर ही समझ जाएंगे। बतौर रचयिता ये फिल्म अमर कौशिक की है। फिल्म की कहानी की शुरुआत थोड़ी अतार्किक होते हुए भी फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है दर्शकों को अपनी डरावनी दुनिया के साथ सांस लेने के लिए तैयार कर लेती है। फिल्म स्त्री की तरह यहाँ भी अमर कौशिक ने पूरा तानापना श्रद्धा कपूर के किरदार के इर्द गिर्द ही रचा है। राजकुमार राव, अपार शक्ति खुराना, अभिषेक बनर्जी और पंकज त्रिपाठी सब इस एक अलौकिक चरित्र के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। फिल्म खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती है, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके बाद फिल्म में 2 गाने और हैं। एक पर्दे पर श्रद्धा कपूर गाते दिखती हैं राजकुमार राव के साथ, और दूसरा वरुण धवन के साथ। ऐसा क्यों, ये भी फिल्म देखकर ही समझना ज्यादा ठीक रहेगा। अमर कौशिक बतौर निर्देशक इस फिल्म में 100 में से 100 नंबर लाने के कामयाब रहे हैं, और ऐसी कॉपी लिखने के लिए उनको सारी तैयारी करने में मदद करने के लिए निर्माता दिनेश बिजन को भी 100 नंबर ही मिलने चाहिए। कलाकारों में से 100 में से 100 नंबर लाने वाली पिछली फिल्म की तरह यहाँ भी एक ही कलाकार हैं, और वह हैं श्रद्धा कपूर। हिंदी सिनेमा की सियासत के निशाने पर रही श्रद्धा कपूर ने अपने बोते बड़े पर्दे पर अपना जो मुकाम बनाया है उसकी पूरी कहानी फिर कभी। यहाँ इतना समझना जरूरी है कि फिल्म स्त्री से जो सिलसिला श्रद्धा कपूर ने हिंदी सिनेमा में शुरू किया है वह अभी रुकने वाला नहीं है। स्त्री 2 ने उनका तिलिस्म और बढ़ाया, और इससे करिश्मा का है या उनकी शख्सियत का जादू कि उनकी सीधी साधी इस छवि के आगे तमन्ना मिल्क भाटिया का रूप रंग भी पानी मांगता नजर आता है। पुरुष कलाकारों में राजकुमार राव के करियर की आखिरी हिट फिल्म स्त्री रही है, और स्त्री 2 से उन्हें नया जीवनदान मिला है। अपार शक्ति का काम वेब सीरीज जुबली के बाद से निखरता जा रहा है। अभिषेक बनर्जी को फिल्म बेदा में दर्शकों ने जहाँ पूरी तरह नकार दिया, वही जना के किरदार में यहाँ उन्होंने खूब तारियां लूटी, और पंकज त्रिपाठी उनका तो बस नाम ही काफी है। उंगली चलाकर और गर्दन हिलाकर अभिनय करने का उनका अंदाज
फिल्म दर फिल्म अटल है। अतुल श्रीवास्तव और राजकुमार राव के बीच पिता पुत्र के संवाद एक बार फिर एडल्ट मोड में निकल गए हैं। फिल्म में एक दो जगह द्विवर्ती संवाद भी हैं, लेकिन ये सबकी समझ में आ जाए ये जरूरी भी नहीं। फिल्म मस्त है। आज़ादी की सालगिरह से लेकर रक्षाबंधन तक के अवकाश उत्सव में जब मौका और टिकट दोनों मिल जाएं, इसे देखने जा सकते हैं। हॉरर कॉमेडी जानर को सही मायनों में प्रचलित कराने का श्रेय स्त्री को जाता है, मगर जब मेकर को अपनी सफल और प्रतिष्ठित हॉरर कॉमेडी का सिक्वल बनाना हो तो चुनौती कड़ी होती है। जाहिर सी बात है, फिल्म मेकर को एक ऐसी काल्पनिक दुनिया गढ़नी होती है जो हंसाते हंसाते डराए और डराते डराते हंसाए, मगर जब दर्शक उस दुनिया का हिस्सा बनकर डरने लगता है, कह कहे लगाने लगता है, तो समझो किला फतेह है। निर्देशक अमर कौशिक इस डराने हंसाने के सिलसिले में जरा भी चूके नहीं। स्त्री 2 में पार्ट 1 के किरदारों के आकर्षण के साथ कुछ चौंकने वाले चरित्र जोड़े गए हैं इस बार कॉमेडी और हॉरर का कॉम्बिनेशन भी कम डेडली नहीं है। कहानी की बात की जाए तो स्त्री के फैंस जानते ही हैं कि पार्ट 1 में स्त्री ने पुरुषों का अपहरण किया था, मगर इस बार कहानी में एक नए भयावह दानव सरकटा की एंट्री होती है। सरकटा महिलाओं को आक्रांत कर उनका अपहरण करता है। कहानी उसी चंदेरी गांव से शुरू होती है जहां कल तक लोग स्त्री से आतंकित थे, मगर अब दीवारों पर लिखा है ओ स्त्री रक्षा करना। हाल फिलहाल में गांव में सब ठीक ही चल रहा होता है कि एक दिन अचानक बिट्टू की गर्लफ्रेंड चिट्टी को सरकटा तबाही मचा कर ले जाता है। बिक्की को आज भी उस अनाम रहस्यमय लड़की का इंतजार है, मगर रुद्र को एक दिन एक खत द्वारा चंदेरी पुराण के फटे हुए पन्ने मिलते हैं, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि दिल्ली में रहने वाले जना की मदद से सरकटा का पता लगाया जा सकता है। इस बीच रहस्यमयी लड़की श्रद्धा भी चंदेरी वापस आ गई है, मगर जब सरकटा रुद्र की नर्तकी प्रेमिका समा का अपहरण कर लेता है और गांव के बिट्टू सहित कई मर्दों को अपने वश में करके महिलाओं की आज़ादी पर बंदिश लगवा देता है, तब रुद्र श्रद्धा बिकी और जना सरकटा के संहार के लिए कमर कस लेते हैं। क्या इनकी चौकड़े सरकटा का विनाश कर पाती है? क्या गांव से अगवा की गई लड़कियों को सरकटा के चंगुल से बचाया जाता है? क्या इस बार बिकी को उसका प्यार मिल पाता है? यही इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। निर्देशक अमर कौशिक कहानी के पहले भाग में खूब मजे करवाते हैं। दैत्याकार भयानक दानों के एंट्री से लेकर तमाम चरित्रों की दहशत और उस डर से उपजी कॉमेडी एंटरटेनमेंट का तगड़ा जोज पेश करती है, मगर सेकंड हाफ में कहानी थोड़ी एवरेज हो जाती है। फिल्म में राक्षस और उनके साम्राज्य के खात्मे को लेकर जिस तरह की दुनिया और विजुअल्स परोसे गए हैं, उसमें VFX का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है। क्लाइमैक्स में वरुण धवन के साथ साथ अक्षय कुमार की एंट्री एंटरटेनमेंट की मात्रा को तो जोड़ती ही है, साथ साथ हॉरर कॉमेडी के इस यूनिवर्स में स्त्री भेड़िया के कॉम्बिनेशन का इशारा भी कर देती है। इस सीक्वल का डायरेक्टर अमर कौशिक महिलाओं की आज़ादी के मुद्दे पर भी मनोरंजक ढंग से बात करते हैं। हाँ, अंत थोड़ा खिंचा हुआ लगता है। हालांकि म्यूजिक की बात की जाए तो आई नई खूबसूरत और आज की रात जैसे गीत म्यूजिक लवर्स को पहले ही पसंद आ रहे हैं। हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक और बेहतर हो सकता था। एक्टिंग पक्ष हर तरह से बीस साबित होता है। फिल्म की पूरी कास्ट ने हॉरर कॉमेडी को अपने पात्रों के जरिए जीवित किया है। बिकी के रूप में राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर एक बार फिर अपनी भूमिकाओं से पहले फिल्म को संपन्न प्रदान करते हैं। राजकुमार का देसी लहजा और बॉडी लैंग्वेज खूब हंसाता है। श्रद्धा कपूर बेहद खूबसूरत और दमदार लगी हैं। राक्षस का सामना करने वाले उनके सीन बहुत ही जानदार बन पड़े हैं। उन्होंने अपनी आंखों के जरिए एक्टिंग की है। डायरेक्टर को उन्हें और ज़्यादा स्क्रीन टाइम देना चाहिए था। रुद्र के रूप में पंकज त्रिपाठी खूब चमकते हैं, उनके वन लाइनर्स खुद गुदगुदाते हैं, तो जना के रोल में अभिषेक बनर्जी पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर देते हैं। अपार शक्ति खुराना ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। तमन्ना भाटिया आइटम सॉन्ग आज की रात में खूब जमी हैं। सरप्राइज पैकेज के रूप में अक्षय कुमार थोड़ी देर की मौजूदगी में ही कमाल कर जाते हैं। स्त्री फिल्म 6 साल पहले 2018 में रिलीज हुई थी। 25 करोड़ के मामूली बजट पर बनी इस फिल्म ने 150 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का कारोबार किया था। फिल्म का निर्देशन अमर कौशिक ने किया था। फिल्म में राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अभिषेक बनर्जी, अपार शक्ति खुराना और पंकज त्रिपाठी नजर आए थे। अब साल 2024 है और स्त्री 2 लौट आई है, उसी डायरेक्टर, उसी स्टारकास्ट और एक ऐसे कैरेक्टर के साथ जिसकी चंदेरी में दहशत है। जी हाँ, स्त्री के जाने के बाद अब चंदेरी में सरकटा आ गया है। स्त्री
जहाँ पुरुषों को उठाया करते थे, वही सरकटे के निशाने पर चंदेरी की लड़कियाँ हैं। अब चंदेरी में कोई भी दिक्कत आएगी तो उससे निपटने के लिए विक्की एंड कंपनी तो आएगी ही, जिसमें पंकज त्रिपाठी भी शामिल हैं। बस सरकटे से निपटने की जिम्मेदारी श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव और उनके दोस्तों की है। सरकटे का खात्मा कैसे होता है, श्रद्धा कपूर किस तरह विक्की एंड कंपनी की मदद करती है, इन सवालों के जवाब तो स्त्री देख कर ही मिलेंगे। लेकिन फिल्म में कॉमेडी और हॉरर का मजेदार छौंक है। फिल्म का पहला हाफ सर पर दौड़ता है और सरकटे के दर्शन के साथ डराता भी है तो विक्की एंड कंपनी की हरकतों से गुदगुदाता भी है। लेकिन सेकंड हाफ में आकर अमर कौशिक थोड़े उलझ जाते हैं। जिस तरह से सरकटे से निपटा जाता है और चीज़ों को दिखाया जाता है, वह माहौल थोड़ा खींचा हुआ सा लगता है। बाकी स्त्री टू में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत तो है नहीं। फिर समय समय पर आपको कुछ कैमियो भी नजर आएंगे तो उनके लिए तैयार हैं। हाँ, ध्यान रहे, फिल्म का एक मैसेज लेकर भी आई है। अब एक्टिंग की बात करें तो राजकुमार राव और विक्की की टाइमिंग कमाल है। उन्होंने विक्की के कैरेक्टर को ऐसा पकड़ा जो बाकी किसी के बस की बात नहीं। फिर अभिषेक बनर्जी और अपारशक्ति भी अच्छा साथ देते हैं, लेकिन हंसाने के चक्कर में कहीं कहीं मामला थोड़ा लाउड कर जाते हैं। श्रद्धा कपूर ने अच्छा काम किया है। उनकी जिस तरह की अनाम और रहस्यमय छवि बनाई गई है, उसे श्रद्धा कपूर ने बहुत ही ईमानदारी के साथ पर्दे पर पेश किया है। पंकज त्रिपाठी जिस अंदाज में डायलॉग बोलते हैं, मज़ेदार हैं। उनके वन लाइनर फैन को सर्दियाँ गुदगुदाएंगे। स्त्री टू के वर्डिक्ट की बात करें तो स्त्री के फैंस के लिए एक परफेक्ट फिल्म है। फिर वो हॉरर कॉमेडी के शौकीन हैं, उन्हें भी पसंद आएगी। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी के फैंस भी इस फिल्म को पसंद करेंगे। फिल्म में कई सीन और बातें अटपटी लग सकते हैं, लेकिन हॉरर कॉमेडी के नाम पर उन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है। इस तरह स्त्री टू का भरपूर फायदा तभी उठाया जा सकता है जिसमें दिमाग नहीं बल्कि दिल लगाया जाए। आसान नहीं होता है बड़े पर्दे पर काल्पनिक किरदारों की ऐसी आभासी दुनिया बसाना जिसे दर्शक अपनी दुनिया मान बैठे और इसके किरदारों से अपनापन मानने लगे। 6 साल पहले चर्चित लेखक निर्देशक जोड़ी राज और डीके ने निर्माता दिनेश बिजन और निर्देशक अमर कौशिक को अपनी एक कहानी सौंपी थी, स्त्री। स्त्री जो छोटे से शहर चंदेरी के पुरुषों को उठा ले जाती है, उसका अतीत मार्मिक है। उसके प्रेमी के साथ उसे जिंदा जला दिया गया उसकी अपनी बेटी के सामने, और जब स्त्री का क्रोध शांत होता है और वह खुद ही उस नगर की रक्षक बन जाती है जिन दीवारों पर पहले लिखा होता था वो स्त्री कल आना, उन दीवारों पर लिखा रहने लगा वो स्त्री रक्षा करना। लेकिन क्या होगा जब ये स्त्री इस नगर को छोड़कर चली जाएगी। फिल्म स्त्री टू की कहानी उतनी ही है जितनी आप इसके ट्रेलर में देख चुके हैं, लेकिन इसकी अंतरधारा बहुत मारक है। कुछ कुछ देश में बने उन हालात जैसी जहाँ सब किसी एक के पीछे आँखें मूंद कर चल पड़ते हैं। सिनेमा अगर अपने समय के समाज पर टिप्पणी नहीं करता तो वह सिनेमा नहीं कहलाता है। फिल्म स्त्री टू में भी इसके लेखक नीरेन भट्ट ने तमाम मनोरंजक मसालों के बीच एक कहानी छोटी सी ऐसी बूंदी है जिसे समझने वाले जरूर समझ सकेंगे। बाहर बड़ी बड़ी बातें करने वाले समाज सेवियों के घर में महिलाओं की हालत क्या है, क्या अब भी महिलाओं की आधुनिकता को छोटे कस्बों में स्वीकारा जाता है, क्या उनका चूल्हा चौका और पति के साथ उनकी मर्जी होने पर हम बिस्तर होना ही पत्नी धर्म है, और क्या चाहता है पितृसत्तात्मक समाज जब कोई स्त्री अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी दुनिया बनाना चाहे। फिल्म इन सारे सवालों को बिना कहे प्रकट किए एक ऐसे मनोरंजन कहानी के साथ पेश करती है जिसे किसी ने रसगुल्ले में रखकर बच्चे को कुनैन की गोली खिला दी हो। अरसे बाद मुंबई के किसी प्रेस शो में हाल हाउसफुल दिखा, तमाम लोग खड़े भी दिखे, बच्चे भी आए थे अपने अभिभावकों के साथ फिल्म देखने और हॉरर फिल्म का पूरा मजा भी लूटते दिखे। डर का अपना जो अलग आकर्षण होता है वह सबसे पहले किशोरा वह बच्चों को ही अपनी तरफ खींचता है। टीनएजर्स के बीच दुनिया भर में अब भी हॉरर सबसे लोकप्रिय सिने श्रेणी है, और इस साल हिंदी की अथपक्की दो फिल्में शैतान और मुंजा से निराश हुए हॉरर के पक्के मुरीदों के लिए फिल्म स्त्री टू किसी पार्टी से कम नहीं है। मुंजा से अमर कौशिक और दिनेश बिजन ने कंप्यूटर जनित किरदार पर्दे पर पेश किया, और वह किरदार दरअसल स्त्री टू के लिए दर्शकों को तैयार करने की पाठशाला थी। फिल्म स्त्री टू में वही शहर चंदेरी है जहां 6 साल पहले एक अनाम युवती ने स्त्री की चोटी काटकर अपनी चोटी में मिला ली थी असीमित शक्तियां पाने के लिए विक्की। फिल्म स्त्री टू में वही शहर चंदेरी है जहां 6 साल पहले एक अनाम युवती ने स्त्री की चोटी काटकर अपनी चोटी में मिला ली थी असीमित शक्तियां पाने के लिए विक्की उसे अब भी चाहता है।
उसके सपने भी देखता है और इस चक्कर में इतना फिट हो चुका है कि असल में उसके सामने आने पर भी उसे यकीन नहीं होता। उधर स्त्री गई तो सिरकटा आ गया। दहशत का दूसरा नाम है ये दैत्याकार प्रेत। इससे निपटने में चंदेरी के लोगों की मदद करने ये युवती फिर से लौटती है और इस बार अपना अतीत, वर्तमान, भविष्य सब जाते जाते बता जाती है। वोड़ धोन वाली भेड़िया भी इस यूनिवर्स से आ मिली है। लेकिन फिल्म का असल आकर्षण और सबसे बड़ा सरप्राइज है अक्षय कुमार का किरदार। ये किरदार क्या है ये आप फिल्म देख कर ही समझ जाएंगे। बतौर रचयिता यह फिल्म अमर कौशिक की है। फिल्म की कहानी की शुरुआत थोड़ी अतार्किक होते हुए भी फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है दर्शकों को अपनी डरावनी दुनिया के साथ सांस लेने के लिए तैयार कर लेती है। फिल्म स्त्री की तरह यहाँ भी अमर कौशिक ने पूरा तानापना श्रद्धा कपूर के किरदार के इर्द गिर्द ही रचा है। राजकुमार राव, अपार शक्ति खुराना, अभिषेक बनर्जी और पंकज त्रिपाठी सब इस एक अलौकिक चरित्र के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। फिल्म खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती है, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके बाद फिल्म में दो गाने और हैं। एक पर्दे पर श्रद्धा कपूर गाते दिखती हैं राजकुमार राव के साथ और दूसरा वरुण धवन के साथ। ऐसा क्यों, ये भी फिल्म देखकर ही समझना ज्यादा ठीक रहेगा। अमर कौशिक बतौर निर्देशक इस फिल्म में 100 में से 100 नंबर लाने के कामयाब रहे हैं और ऐसी कॉपी लिखने के लिए उनको सारी तैयारी करने में मदद करने के लिए निर्माता दिनेश बिजन को भी 100 नंबर ही मिलने चाहिए। कलाकारों में से 100 में से 100 नंबर लाने वाली पिछली फिल्म की तरह यहाँ भी एक ही कलाकार हैं और वह हैं श्रद्धा कपूर। हिंदी सिनेमा की सियासत के निशाने पर रही श्रद्धा कपूर ने अपने बोते बड़े पर्दे पर अपना जो मुकाम बनाया है उसकी पूरी कहानी फिर कभी। यहाँ इतना समझना जरूरी है कि फिल्म स्त्री से जो सिलसिला श्रद्धा कपूर ने हिंदी सिनेमा में शुरू किया है वह अभी रुकने वाला नहीं है। स्त्री 2 ने उनका तिलिस्म और बढ़ाया और इससे करिश्मा का है या उनकी शख्सियत का जादू कि उनकी सीधी साधी इस छवि के आगे तमन्ना मिल्क भाटिया का रूप रंग भी पानी मांगता नजर आता है। पुरुष कलाकारों में राजकुमार राव के करियर की आखिरी हिट फिल्म स्त्री रही है और स्त्री 2 से उन्हें नया जीवनदान मिला है। अपार शक्ति का काम वेब सीरीज जुबली के बाद से निखरता जा रहा है। अभिषेक बनर्जी को फिल्म बेदा में दर्शकों ने जहाँ पूरी तरह नकार दिया वही जना के किरदार में यहाँ उन्होंने खूब तारियां लूटी और पंकज त्रिपाठी उनका तो बस नाम ही काफ़ी है। उंगली चलाकर और गर्दन हिलाकर अभिनय करने का उनका अंदाज फिल्म दर फिल्म अटल है। अतुल श्रीवास्तव और राजकुमार राव के बीच पिता पुत्र के संवाद एक बार फिर एडल्ट मोड में निकल गए हैं। फिल्म में एक दो जगह द्विवर्थी संवाद भी हैं लेकिन ये सब की समझ में आ जाए ये जरूरी भी नहीं। फिल्म मस्त है। आज़ादी की सालगिरह से लेकर रक्षाबंधन तक के अवकाश उत्सव में जब मौका और टिकट दोनों मिल जाएं इसे देखने जा सकते हैं। हॉरर कॉमेडी जानर को सही मायनों में प्रचलित कराने का श्रेय स्त्री को जाता है, मगर जब मेकर को अपनी सफल और प्रतिष्ठित हॉरर कॉमेडी का सिक्वल बनाना हो तो चुनौती कड़ी होती है। जाहिर सी बात है फिल्म मेकर को एक ऐसी काल्पनिक दुनिया गढ़नी होती है जो हंसाते हंसाते डराए और डराते डराते हंसाए, मगर जब दर्शक उस दुनिया का हिस्सा बनकर डरने लगता है, कहे कहे लगाने लगता है तो समझो कि लापते है। निर्देशक अमर कौशिक इस डराने हंसाने के सिलसिले में जरा भी चूके नहीं। स्त्री 2 में पार्ट 1 के किरदारों के आकर्षण के साथ कुछ चौंकाने वाले चरित्र जोड़े गए हैं। इस बार कॉमेडी और हॉरर का कॉम्बिनेशन भी कम डेडली नहीं है। कहानी की बात की जाए तो स्त्री के फैंस जानते ही हैं कि पार्ट 1 में स्त्री ने पुरुषों का अपहरण किया था, मगर इस बार कहानी में एक नए भयावह दानव सरकटा की एंट्री होती है। सरकटा महिलाओं को आक्रांत कर उनका अपहरण करता है। कहानी उसी चंदेरी गांव से शुरू होती है जहां कल तक लोग स्त्री से आतंकित थे, मगर अब दीवारों पर लिखा है ओ स्त्री रक्षा करना। हाल फिलहाल में गांव में सब ठीक ही चल रहा होता है कि एक दिन अचानक बिट्टू की गर्लफ्रेंड चिट्टी को सरकटा तबाही मचा कर ले जाता है। बिक्की को आज भी उस अनाम रहस्यमय लड़की का इंतजार है, मगर रुद्र को एक दिन एक खत द्वारा चंदेरी पुराण के फटे हुए पन्ने मिलते हैं जिससे निष्कर्ष निकलता है कि दिल्ली में रहने वाले जना की मदद से सरकटा का पता लगाया जा सकता है। इस बीच रहस्यमयी लड़की श्रद्धा भी चंदेरी वापस आ गई है, मगर जब सरकटा रुद्र की नर्तकी प्रेमिका समा का अपहरण कर लेता है और गांव के बिट्टू सहित कई मर्दों को अपने वश में करके महिलाओं की आज़ादी पर बंदिश लगवा देता है, तब रुद्र, श्रद्धा, बिकी और जना सरकटा के संहार के लिए कमर कस लेते हैं। क्या इनकी चौकड़े सरकटा का विनाश कर पाती है? क्या गांव से अगवा की गई लड़कियों को सरकटा के चंगुल से बचाया जाता है? क्या इस बार बिकी को उसका प्यार मिल पाता है? यही इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। निर्देशक अमर कौशिक कहानी के पहले भाग में खूब मजे करवाते हैं। दैत्याकार, भयानक दानों के एंट्री से लेकर तमाम चरित्रों की दहशत और
उस डर से उपजी कॉमेडी एंटरटेनमेंट का तगड़ा जोश पेश करती है, मगर सेकंड हाफ में कहानी थोड़ी एवरेज हो जाती है। फिल्म में राक्षस और उनके साम्राज्य के खात्मे को लेकर जिस तरह की दुनिया और विजुअल्स परोसे गए हैं उसमें VFX का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है। क्लाइमैक्स में वरुण धवन के साथ साथ अक्षय कुमार की एंट्री एंटरटेनमेंट की मात्रा को तो जोड़ती ही है, साथ साथ हॉरर कॉमेडी के इस यूनिवर्स में स्त्री भेड़िया के कॉम्बिनेशन का इशारा भी कर देती है। इस सीक्वल का डायरेक्टर अमर कौशिक महिलाओं की आज़ादी के मुद्दे पर भी मनोरंजक ढंग से बात करते हैं। हाँ, अंत थोड़ा खिंचा हुआ लगता है। हालांकि म्यूजिक की बात की जाए तो आई नई खूबसूरत और आज की रात जैसे गीत म्यूजिक लवर्स को पहले ही पसंद आ रहे हैं। हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक और बेहतर हो सकता था। एक्टिंग पक्ष हर तरह से बीस साबित होता है। फिल्म की पूरी कास्ट ने हॉरर कॉमेडी को अपने पात्रों के जरिए जीवित किया है। विकी के रूप में राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर एक बार फिर अपनी भूमिकाओं से पहले फिल्म को संपन्न प्रदान करते हैं। राजकुमार का देसी लहजा और बॉडी लैंग्वेज खूब हंसाता है। श्रद्धा कपूर बेहद खूबसूरत और दमदार लगी हैं। राक्षस का सामना करने वाले उनके सीन बहुत ही जानदार बन पड़े हैं। उन्होंने अपनी आंखों के जरिए एक्टिंग की है। डायरेक्टर को उन्हें और ज़्यादा स्क्रीन टाइम देना चाहिए था। रुद्र के रूप में पंकज त्रिपाठी खूब चमकते हैं। उनके वन लाइनर्स खुद गुदगुदाते हैं तो जना के रोल में अभिषेक बनर्जी पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर देते हैं। अपार शक्ति खुराना ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। तमन्ना भाटिया आइटम सॉन्ग आज की रात में खूब जमी हैं। सरप्राइज पैकेज के रूप में अक्षय कुमार थोड़ी देर की मौजूदगी में ही कमाल कर जाते हैं। स्त्री फिल्म 6 साल पहले 2018 में रिलीज हुई थी। 25 करोड़ के मामूली बजट पर बनी इस फिल्म ने 150 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का कारोबार किया था। फिल्म का निर्देशन अमर कौशिक ने किया था। फिल्म में राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अभिषेक बनर्जी, अपार शक्ति खुराना और पंकज त्रिपाठी नजर आए थे। अब साल 2024 है और स्त्री 2 लौट आई है। उसी डायरेक्टर, उसी स्टार कास्ट और एक ऐसे कैरेक्टर के साथ जिसकी चंदेरी में दहशत है। जी हाँ, स्त्री के जाने के बाद अब चंदेरी में सरकट आ गया है। स्त्री जहाँ पुरुषों को उठाया करती थी वही सरकटे के निशाने पर चंदेरी की लड़कियां हैं। अब चंदेरी में कोई भी दिक्कत आएगी तो उससे निपटने के लिए विकी एंड कंपनी तो आएगी ही, जिसमें पंकज त्रिपाठी भी शामिल हैं। बस सरकटे से निपटने की जिम्मेदारी श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव और उनके दोस्तों की है। सरकटे का खात्मा कैसे होता है, श्रद्धा कपूर किस तरह विकी एंड कंपनी की मदद करती है, इन सवालों के जवाब तो स्त्री देख कर ही मिलेंगे। लेकिन फिल्म में कॉमेडी और हॉरर का मजेदार छौंक है। फिल्म का पहला हाफ सर पर दौड़ता है और सरकटे के दर्शन के साथ डराता भी है तो विकी एंड कंपनी की हरकतों से गुदगुदाता भी है। लेकिन सेकंड हाफ में आकर अमर कौशिक थोड़े उलझ जाते हैं। जिस तरह से सरकटे से निपटा जाता है और चीज़ों को दिखाया जाता है वह माहौल थोड़ा खींचा हुआ सा लगता है। बाकी स्त्री 2 में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत तो है नहीं। फिर समय समय पर आपको कुछ कैमियो भी नजर आएंगे तो उनके लिए तैयार रहें। हाँ, ध्यान रहे, फिल्म का एक मैसेज लेकर भी आई है। अब एक्टिंग की बात करें तो राजकुमार राव और विकी की टाइमिंग कमाल है। उन्होंने विकी के कैरेक्टर को ऐसा पकड़ा जो बाकी किसी के बस की बात नहीं। फिर अभिषेक बनर्जी और अपार शक्ति भी अच्छा साथ देते हैं, लेकिन हंसाने के चक्कर में कहीं कहीं मामला थोड़ा लाउड कर जाते हैं। श्रद्धा कपूर ने अच्छा काम किया है। उनकी जिस तरह की अनाम और रहस्यमय छवि बनाई गई है उसे श्रद्धा कपूर ने बहुत ही ईमानदारी के साथ पर्दे पर पेश किया है। पंकज त्रिपाठी जिस अंदाज में डायलॉग बोलते हैं मज़ेदार हैं। उनके वन लाइनर फैन को सर्दियाँ गुदगुदाएंगे। स्त्री 2 के वर्डिक्ट की बात करें तो स्त्री के फैंस के लिए एक परफेक्ट फिल्म है। फिर वो हॉरर कॉमेडी के शौकीन हैं, उन्हें भी पसंद आएगी। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी के फैंस भी इस फिल्म को पसंद करेंगे। फिल्म में कई सीन और बातें अटपटे लग सकते हैं, लेकिन हॉरर कॉमेडी के नाम पर उन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है। इस तरह स्त्री 2 का भरपूर फायदा तभी उठाया जा सकता है जिसमें दिमाग नहीं बल्कि दिल लगाया जाए। आसान नहीं होता है बड़े पर्दे पर काल्पनिक किरदारों की ऐसी आभासी दुनिया बसाना जिसे दर्शक अपनी दुनिया मान बैठे और इसके किरदारों से अपनापन मानने लगे। 6 साल पहले चर्चित लेखक निर्देशक जोड़ी राज और डीके ने निर्माता दिनेश विजन और निर्देशक अमर कौशिक को अपनी एक कहानी सौंपी थी, स्त्री। स्त्री जो छोटे से शहर चंदेरी के पुरुषों को उठा ले जाती है। उसका अतीत मार्मिक है। उसके प्रेमी के साथ उसे जिंदा जला दिया गया उसकी अपनी बेटी के सामने। और जब स्त्री का क्रोध शांत होता है और वह खुद ही उस नगर की रक्षक बन जाती है जिन दीवारों पर पहले लिखा होता था वो स्त्री कल आना, उन दीवारों पर लिखा रहने लगा वो स्त्री रक्षा करना। लेकिन क्या होगा जब ये स्त्री इस नगर को छोड़कर चली जाएगी। फिल्म स्त्री 2 की कहानी उतनी ही है जितनी आप इसके ट्रेलर में देख चुके हैं, लेकिन इसकी अंतरधारा बहुत मारक है। कुछ कुछ देश में बने उन हालात जैसी जहाँ सब किसी एक के पीछे आँखें मूंद कर चल पड़ते हैं।
सिनेमा अगर अपने समय के समाज पर टिप्पणी नहीं करता तो वह सिनेमा नहीं कहलाता है। फिल्म स्त्री 2 में भी इसके लेखक नीरेन भट्ट ने तमाम मनोरंजक मसालों के बीच एक कहानी छोटी सी ऐसी बूंदी है जिसे समझने वाले जरूर समझ सकेंगे। बाहर बड़ी बड़ी बातें करने वाले समाज सेवियों के घर में महिलाओं की हालत क्या है, क्या अब भी महिलाओं की आधुनिकता को छोटे कस्बों में स्वीकारा जाता है, क्या उनका चूल्हा चौका और पति के साथ उनकी मर्जी होने पर हम बिस्तर होना ही पत्नी धर्म है, और क्या चाहता है पितृसत्तात्मक समाज जब कोई स्त्री अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी दुनिया बनाना चाहे। फिल्म इन सारे सवालों को बिना कहे प्रकट किए एक ऐसे मनोरंजन कहानी के साथ पेश करती है जिसे किसी ने रसगुल्ले में रखकर बच्चे को कुनैन की गोली खिला दी हो। अरसे बाद मुंबई के किसी प्रेस शो में हॉल हाउसफुल दिखा, तमाम लोग खड़े भी दिखे, बच्चे भी आए थे अपने अभिभावकों के साथ फिल्म देखने और हॉरर फिल्म का पूरा मजा भी लूटते दिखे। डर का अपना जो अलग आकर्षण होता है वह सबसे पहले किशोरा वय बच्चों को ही अपनी तरफ खींचता है। टीन एजर्स के बीच दुनिया भर में अब भी हॉरर सबसे लोकप्रिय सिने श्रेणी है, और इस साल हिंदी की अधपकी दो फिल्में शैतान और मुंजा से निराश हुए हॉरर के पक्के मुरीदों के लिए फिल्म स्त्री 2 किसी पार्टी से कम नहीं है। मुंजा से अमर कौशिक और दिनेश बिचन ने कंप्यूटर जनित किरदार पर्दे पर पेश किया, और वह किरदार दरअसल स्त्री 2 के लिए दर्शकों को तैयार करने की पाठशाला थी। फिल्म स्त्री 2 में वही शहर चंदेरी है जहां 6 साल पहले एक अनाम युवती ने स्त्री की चोटी काटकर अपनी चोटी में मिला ली थी, असीमित शक्तियां पाने के लिए बिकी। फिल्म स्त्री 2 में वही शहर चंदेरी है जहां 6 साल पहले एक अनाम युवती ने स्त्री की चोटी काटकर अपनी चोटी में मिला ली थी, असीमित शक्तियां पाने के लिए बिक्की उसे अब भी चाहता है, उसके सपने भी देखता है, और इस चक्कर में इतना फिट हो चुका है कि असल में उसके सामने आने पर भी उसे यकीन नहीं होता। उधर स्त्री गई तो सिरकटा आ गया। दहशत का दूसरा नाम है ये दैत्याकार प्रेत। इससे निपटने में चंदेरी के लोगों की मदद करने ये युवती फिर से लौटती है, और इस बार अपना अतीत वर्तमान भविष्य सब जाते जाते बता जाती है। वोड़ धोन वाली भेड़िया भी इस यूनिवर्स से आ मिली है, लेकिन फिल्म का असल आकर्षण और सबसे बड़ा सरप्राइज है अक्षय कुमार का किरदार। ये किरदार क्या है ये आप फिल्म देख कर ही समझ जाएंगे। बतौर रचयिता ये फिल्म अमर कौशिक की है। फिल्म की कहानी की शुरुआत थोड़ी अतार्किक होते हुए भी फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है दर्शकों को अपनी डरावनी दुनिया के साथ सांस लेने के लिए तैयार कर लेती है। फिल्म स्त्री की तरह यहाँ भी अमर कौशिक ने पूरा तानापना श्रद्धा कपूर के किरदार के इर्द गिर्द ही रचा है। राजकुमार राव, अपार शक्ति खुराना, अभिषेक बनर्जी और पंकज त्रिपाठी सब इस एक अलौकिक चरित्र के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। फिल्म खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती है, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके बाद फिल्म में 2 गाने और हैं। एक पर्दे पर श्रद्धा कपूर गाते दिखती हैं राजकुमार राव के साथ, और दूसरा वरुण धवन के साथ। ऐसा क्यों, ये भी फिल्म देखकर ही समझना ज्यादा ठीक रहेगा। अमर कौशिक बतौर निर्देशक इस फिल्म में 100 में से 100 नंबर लाने के कामयाब रहे हैं, और ऐसी कॉपी लिखने के लिए उनको सारी तैयारी करने में मदद करने के लिए निर्माता दिनेश बिजन को भी 100 नंबर ही मिलने चाहिए। कलाकारों में से 100 में से 100 नंबर लाने वाली पिछली फिल्म की तरह यहाँ भी एक ही कलाकार हैं, और वह हैं श्रद्धा कपूर। हिंदी सिनेमा की सियासत के निशाने पर रही श्रद्धा कपूर ने अपने बोते बड़े पर्दे पर अपना जो मुकाम बनाया है उसकी पूरी कहानी फिर कभी। यहाँ इतना समझना जरूरी है कि फिल्म स्त्री से जो सिलसिला श्रद्धा कपूर ने हिंदी सिनेमा में शुरू किया है वह अभी रुकने वाला नहीं है। स्त्री 2 ने उनका तिलिस्म और बढ़ाया, और इससे करिश्मा कहे या उनकी शख्सियत का जादू कि उनकी सीधी साधी इस छवि के आगे तमन्ना मिल्क भाटिया का रूप रंग भी पानी मांगता नजर आता है। पुरुष कलाकारों में राजकुमार राव के करियर की आखिरी हिट फिल्म स्त्री रही है, और स्त्री 2 से उन्हें नया जीवनदान मिला है। अपार शक्ति का काम वेब सीरीज जुबली के बाद से निखरता जा रहा है। अभिषेक बनर्जी को फिल्म बेदा में दर्शकों ने जहाँ पूरी तरह नकार दिया, वही जना के किरदार में यहाँ उन्होंने खूब तारियां लूटी, और पंकज त्रिपाठी उनका तो बस नाम ही काफी है। उंगली चलाकर और गर्दन हिलाकर अभिनय करने का उनका अंदाज फिल्म दर फिल्म अटल है। अतुल श्रीवास्तव और राजकुमार राव के बीच पिता पुत्र के संवाद एक बार फिर एडल्ट मोड में निकल गए हैं। फिल्म में एक दो जगह द्विवर्ती संवाद भी हैं, लेकिन ये सबकी समझ में आ जाए ये जरूरी भी नहीं। फिल्म मस्त है। आज़ादी की सालगिरह से लेकर रक्षाबंधन तक के अवकाश उत्सव में जब मौका और टिकट दोनों मिल जाएं इसे देखने जा सकते हैं। हॉरर कॉमेडी जानर को सही मायनों में प्रचलित कराने का श्रेय स्त्री को जाता है।
मगर जब मेकर को अपनी सफल और प्रतिष्ठित हॉरर कॉमेडी का सिक्वल बनाना हो तो चुनौती कड़ी होती है। जाहिर सी बात है, फिल्म मेकर को एक ऐसी काल्पनिक दुनिया गढ़नी होती है जो हंसाते हंसाते डराए और डराते डराते हंसाए। मगर जब दर्शक उस दुनिया का हिस्सा बनकर डरने लगता है, कह कहे लगाने लगता है, तो समझो कि लापते है। निर्देशक अमर कौशिक इस डराने हंसाने के सिलसिले में जरा भी चूके नहीं। स्त्री 2 में पार्ट 1 के किरदारों के आकर्षण के साथ कुछ चौंकने वाले चरित्र जोड़े गए हैं इस बार कॉमेडी और हॉरर का कॉम्बिनेशन भी कम डेडली नहीं है। कहानी की बात की जाए तो स्त्री के फैंस जानते ही हैं कि पार्ट 1 में स्त्री ने पुरुषों का अपहरण किया था, मगर इस बार कहानी में एक नए भयावह दानव सरकटा की एंट्री होती है। सरकटा महिलाओं को आक्रांत कर उनका अपहरण करता है। कहानी उसी चंदेरी गाँव से शुरू होती है जहाँ कल तक लोग स्त्री से आतंकित थे, मगर अब दीवारों पर लिखा है ओ स्त्री रक्षा करना। हाल फिलहाल में गांव में सब ठीक ही चल रहा होता है कि एक दिन अचानक बिट्टू की गर्लफ्रेंड चिट्टी को सरकटा तबाही मचा कर ले जाता है। बिक्की को आज भी उस अनाम रहस्यमय लड़की का इंतजार है, मगर रुद्र को एक दिन एक खत द्वारा चंदेरी पुराण के फटे हुए पन्ने मिलते हैं, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि दिल्ली में रहने वाले जना की मदद से सरकटा का पता लगाया जा सकता है। इस बीच रहस्यमय लड़की श्रद्धा भी चंदेरी वापस आ गई है, मगर जब सरकटा रुद्र की नर्तकी प्रेमिका समा का अपहरण कर लेता है और गांव के बिट्टू सहित कई मर्दों को अपने वश में करके महिलाओं की आज़ादी पर बंदिश लगवा देता है, तब रुद्र, श्रद्धा, बिकी और जना सरकटा के संहार के लिए कमर कस लेते हैं। क्या इनकी चौकड़े सरकटा का विनाश कर पाती है? क्या गांव से अगवा की गई लड़कियों को सरकटा के चंगुल से बचाया जाता है? क्या इस बार बिकी को उसका प्यार मिल पाता है? यही इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। निर्देशक अमर कौशिक कहानी के पहले भाग में खूब मजे करवाते हैं। दैत्याकार भयानक दानों की एंट्री से लेकर तमाम चरित्रों की दहशत और उस डर से उपजी कॉमेडी एंटरटेनमेंट का तगड़ा जोज पेश करती है, मगर सेकंड हाफ में कहानी थोड़ी एवरेज हो जाती है। फिल्म में राक्षस और उनके साम्राज्य के खात्मे को लेकर जिस तरह की दुनिया और विजुअल्स परोसे गए हैं, उसमें VFX का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है। क्लाइमैक्स में वरुण धवन के साथ साथ अक्षय कुमार की एंट्री एंटरटेनमेंट की मात्रा को तो जोड़ती ही है, साथ साथ हॉरर कॉमेडी के इस यूनिवर्स में स्त्री भेड़िया के कॉम्बिनेशन का इशारा भी कर देती है। इस सीक्वल का डायरेक्टर अमर कौशिक महिलाओं की आज़ादी के मुद्दे पर भी मनोरंजक ढंग से बात करते हैं। हाँ, अंत थोड़ा खिंचा हुआ लगता है। हालांकि म्यूजिक की बात की जाए तो आई नई खूबसूरत और आज की रात जैसे गीत म्यूजिक लवर्स को पहले ही पसंद आ रहे हैं। हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक और बेहतर हो सकता था। एक्टिंग पक्ष हर तरह से 20 साबित होता है। फिल्म की पूरी कास्ट ने हॉरर कॉमेडी को अपने पात्रों के जरिए जीवित किया है। बिकी के रूप में राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर एक बार फिर अपनी भूमिकाओं से पहले फिल्म को संपन्न प्रदान करते हैं। राजकुमार का देसी लहजा और बॉडी लैंग्वेज खूब हंसाता है। श्रद्धा कपूर बेहद खूबसूरत और दमदार लगी हैं। राक्षस का सामना करने वाले उनके सीन बहुत ही जानदार बन पड़े हैं। उन्होंने अपनी आंखों के जरिए एक्टिंग की है। डायरेक्टर को उन्हें और ज़्यादा स्क्रीन टाइम देना चाहिए था। रुद्र के रूप में पंकज त्रिपाठी खूब चमकते हैं, उनके वन लाइनर्स खुद गुदगुदाते हैं, तो जना के रोल में अभिषेक बनर्जी पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर देते हैं। अपार शक्ति खुराना ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। तमन्ना भाटिया आइटम सॉन्ग आज की रात में खूब जमी हैं। सरप्राइज पैकेज के रूप में अक्षय कुमार थोड़ी देर की मौजूदगी में ही कमाल कर जाते हैं। स्त्री फिल्म 6 साल पहले 2018 में रिलीज हुई थी। 25 करोड़ के मामूली बजट पर बनी इस फिल्म ने 150 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का कारोबार किया था। फिल्म का निर्देशन अमर कौशिक ने किया था। फिल्म में राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अभिषेक बनर्जी, अपार शक्ति खुराना और पंकज त्रिपाठी नजर आए थे। अब साल 2024 है और स्त्री 2 लौट आई है, उसी डायरेक्टर, उसी स्टारकास्ट और एक ऐसे कैरेक्टर के साथ जिसकी चंदेरी में दहशत है। जी हाँ, स्त्री के जाने के बाद अब चंदेरी में सरकटा आ गया है। स्त्री जहाँ पुरुषों को उठाया करते थे, वही सरकटे के निशाने पर चंदेरी की लड़कियां हैं। अब चंदेरी में कोई भी दिक्कत आएगी तो उससे निपटने के लिए बिकी एंड कंपनी तो आएगी ही, जिसमें पंकज त्रिपाठी भी शामिल हैं। बस सरकटे से निपटने की जिम्मेदारी श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव और उनके दोस्तों की है। सरकटे का खात्मा कैसे होता है, श्रद्धा कपूर किस तरह बिकी एंड कंपनी की मदद करती है, इन सवालों के जवाब तो स्त्री देखकर ही मिलेंगे। लेकिन फिल्म में कॉमेडी और हॉरर का मजेदार छौंक है। फिल्म का पहला हाफ सर पर दौड़ता है और सरकटे के दर्शन के साथ डराता भी है, तो बिकी एंड कंपनी की हरकतों से गुदगुदाता भी है। लेकिन सेकंड हाफ में आकर अमर कौशिक थोड़े उलझ जाते हैं। जिस तरह से सरकटे से निपटा जाता है और चीज़ों को दिखाया जाता है, वह माहौल थोड़ा खींचा हुआ सा लगता है। बाकी स्त्री 2 में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत तो है नहीं। फिर समय समय पर आपको कुछ कैमियो भी नजर आएंगे।
तो उनके लिए तैयार रहें। हाँ, ध्यान रहे, फिल्म का एक मैसेज लेकर भी आई है। अब एक्टिंग की बात करें तो राजकुमार राव और विक्की की टाइमिंग कमाल है। उन्होंने विक्की के कैरेक्टर को ऐसा पकड़ा जो बाकी किसी के बस की बात नहीं। फिर अभिषेक बनर्जी और अपारशक्ति भी अच्छा साथ देते हैं, लेकिन हंसाने के चक्कर में कहीं कहीं मामला थोड़ा लाउड कर जाते हैं। श्रद्धा कपूर ने अच्छा काम किया है। उनकी जिस तरह की अनाम और रहस्यमय छवि बनाई गई है, उसे श्रद्धा कपूर ने बहुत ही ईमानदारी के साथ पर्दे पर पेश किया है। पंकज त्रिपाठी जिस अंदाज में डायलॉग बोलते हैं, मज़ेदार हैं। उनके वन लाइनर फैन को सर्दियाँ गुदगुदाएंगे। स्त्री 2 के वर्डिक्ट की बात करें तो स्त्री के फैंस के लिए एक परफेक्ट फिल्म है। फिर वो हॉरर कॉमेडी के शौकीन हैं, उन्हें भी पसंद आएगी। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी के फैंस भी इस फिल्म को पसंद करेंगे। फिल्म में कई सीन और बातें अटपटे लग सकते हैं, लेकिन हॉरर कॉमेडी के नाम पर उन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है। इस तरह स्त्री 2 का भरपूर फायदा तभी उठाया जा सकता है जिसमें दिमाग नहीं बल्कि दिल लगाया जाए। आसान नहीं होता है बड़े पर्दे पर काल्पनिक किरदारों की ऐसी आभासी दुनिया बसाना जिसे दर्शक अपनी दुनिया मान बैठे और इसके किरदारों से अपनापन मानने लगे। 6 साल पहले चर्चित लेखक निर्देशक जोड़ी राज और डीके ने निर्माता दिनेश बिजन और निर्देशक अमर कौशिक को अपनी एक कहानी सौंपी थी, स्त्री। स्त्री जो छोटे से शहर चंदेरी के पुरुषों को उठा ले जाती है, उसका अतीत मार्मिक है। उसके प्रेमी के साथ उसे जिंदा जला दिया गया उसकी अपनी बेटी के सामने, और जब स्त्री का क्रोध शांत होता है और वह खुद ही उस नगर की रक्षक बन जाती है जिन दीवारों पर पहले लिखा होता था वो स्त्री कल आना, उन दीवारों पर लिखा रहने लगा वो स्त्री रक्षा करना। लेकिन क्या होगा जब ये स्त्री इस नगर को छोड़कर चली जाएगी। फिल्म स्त्री 2 की कहानी उतनी ही है जितनी आप इसके ट्रेलर में देख चुके हैं, लेकिन इसकी अंतरधारा बहुत मारक है। कुछ कुछ देश में बने उन हालात जैसी जहाँ सब किसी एक के पीछे आँखें मूंद कर चल पड़ते हैं। सिनेमा अगर अपने समय के समाज पर टिप्पणी नहीं करता तो वह सिनेमा नहीं कहलाता है। फिल्म स्त्री 2 में भी इसके लेखक नीरेन भट्ट ने तमाम मनोरंजक मसालों के बीच एक कहानी छोटी सी ऐसी बूंदी है जिसे समझने वाले जरूर समझ सकेंगे। बाहर बड़ी बड़ी बातें करने वाले समाज सेवियों के घर में महिलाओं की हालत क्या है, क्या अब भी महिलाओं की आधुनिकता को छोटे कस्बों में स्वीकारा जाता है, क्या उनका चूल्हा चौका और पति के साथ उनकी मर्जी होने पर हम बिस्तर होना ही पत्नी धर्म है, और क्या चाहता है पितृसत्तात्मक समाज जब कोई स्त्री अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी दुनिया बनाना चाहे। फिल्म इन सारे सवालों को बिना कहे प्रकट किए एक ऐसे मनोरंजन कहानी के साथ पेश करती है जिसे किसी ने रसगुल्ले में रखकर बच्चे को कुनैन की गोली खिला दी हो। अरसे बाद मुंबई के किसी प्रेस शो में हॉल हाउसफुल दिखा, तमाम लोग खड़े भी दिखे, बच्चे भी आए थे अपने अभिभावकों के साथ फिल्म देखने और हॉरर फिल्म का पूरा मजा भी लूटते दिखे। डर का अपना जो अलग आकर्षण होता है वह सबसे पहले किशोरा वय बच्चों को ही अपनी तरफ खींचता है। टीनएजर्स के बीच दुनिया भर में अब भी हॉरर सबसे लोकप्रिय सिने श्रेणी है, और इस साल हिंदी की अधपकी 2 फिल्में शैतान और मुंजा से निराश हुए हॉरर के पक्के मुरीदों के लिए फिल्म स्त्री 2 किसी पार्टी से कम नहीं है। मुंजा से अमर कौशिक और दिनेश बिजन ने कंप्यूटर जनित किरदार पर्दे पर पेश किया, और वह किरदार दरअसल स्त्री 2 के लिए दर्शकों को तैयार करने की पाठशाला थी। फिल्म स्त्री 2 में वही शहर चंदेरी है जहां 6 साल पहले एक अनाम युवती ने स्त्री की चोटी काटकर अपनी चोटी में मिला ली थी असीमित शक्तियां पाने के लिए विक्की। फिल्म स्त्री 2 में वही शहर चंदेरी है जहां 6 साल पहले एक अनाम युवती ने स्त्री की चोटी काटकर अपनी चोटी में मिला ली थी असीमित शक्तियां पाने के लिए। विक्की उसे अब भी चाहता है, उसके सपने भी देखता है, और इस चक्कर में इतना फिट हो चुका है कि असल में उसके सामने आने पर भी उसे यकीन नहीं होता। उधर स्त्री गई तो सिरकटा आ गया। दहशत का दूसरा नाम है ये दैत्याकार प्रेत। इससे निपटने में चंदेरी के लोगों की मदद करने ये युवती फिर से लौटती है, और इस बार अपना अतीत, वर्तमान, भविष्य सब जाते जाते बता जाती है। वर्ण धोन वाली भेड़िया भी इस यूनिवर्स से आ मिली है, लेकिन फिल्म का असल आकर्षण और सबसे बड़ा सरप्राइज है अक्षय कुमार का किरदार। ये किरदार क्या है ये आप फिल्म देखकर ही समझ जाएंगे। बतौर रचयिता ये फिल्म अमर कौशिक की है। फिल्म की कहानी की शुरुआत थोड़ी अतार्किक होते हुए भी फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है दर्शकों को अपनी डरावनी दुनिया के साथ सांस लेने के लिए तैयार कर लेती है। फिल्म स्त्री की तरह यहाँ भी अमर कौशिक ने पूरा तानापना श्रद्धा कपूर के किरदार के इर्द गिर्द ही रचा है। राजकुमार राव, अपारशक्ति खुराना, अभिषेक बनर्जी और पंकज त्रिपाठी सब इस एक अलौकिक चरित्र के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। फिल्म खत्म
होने के बाद भी ख़त्म नहीं होती है, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके बाद फिल्म में दो गाने और हैं। एक पर्दे पर श्रद्धा कपूर गाते दिखती हैं राजकुमार राव के साथ और दूसरा वरुण धवन के साथ। ऐसा क्यों, ये भी फिल्म देखकर ही समझना ज़्यादा ठीक रहेगा। अमर कौशिक बतौर निर्देशक इस फिल्म में 100 में से 100 नंबर लाने के कामयाब रहे हैं और ऐसी कॉपी लिखने के लिए उनको सारी तैयारी करने में मदद करने के लिए निर्माता दिनेश बिजन को भी 100 नंबर ही मिलने चाहिए। कलाकारों में से 100 में से 100 नंबर लाने वाली पिछली फिल्म की तरह यहाँ भी एक ही कलाकार हैं और वह हैं श्रद्धा कपूर। हिंदी सिनेमा की सियासत के निशाने पर रही श्रद्धा कपूर ने अपने बोते बड़े पर्दे पर अपना जो मुकाम बनाया है उसकी पूरी कहानी फिर कभी। यहाँ इतना समझना जरूरी है कि फिल्म स्त्री से जो सिलसिला श्रद्धा कपूर ने हिंदी सिनेमा में शुरू किया है वह अभी रुकने वाला नहीं है। स्त्री 2 ने उनका तिलिस्म और बढ़ाया और इससे करिश्मा का है या उनकी शख्सियत का जादू कि उनकी सीधी साधी इस छवि के आगे तमन्ना मिल्क भाटिया का रूप रंग भी पानी मांगता नजर आता है। पुरुष कलाकारों में राजकुमार राव के करियर की आखिरी हिट फिल्म स्त्री रही है और स्त्री 2 से उन्हें नया जीवनदान मिला है। अपार शक्ति का काम वेब सीरीज जुबली के बाद से निखरता जा रहा है। अभिषेक बनर्जी को फिल्म बेदा में दर्शकों ने जहाँ पूरी तरह नकार दिया वही जना के किरदार में यहाँ उन्होंने खूब तारियां लूटी और पंकज त्रिपाठी उनका तो बस नाम ही काफी है। उंगली चलाकर और गर्दन हिलाकर अभिनय करने का उनका अंदाज फिल्म दर फिल्म अटल है। अतुल श्रीवास्तव और राजकुमार राव के बीच पिता पुत्र के संवाद एक बार फिर एडल्ट मोड में निकल गए हैं। फिल्म में एक दो जगह द्विवर्ती संवाद भी हैं लेकिन ये सबकी समझ में आ जाए ये जरूरी भी नहीं। फिल्म मस्त है। आज़ादी की सालगिरह से लेकर रक्षाबंधन तक के अवकाश उत्सव में जब मौका और टिकट दोनों मिल जाएं इसे देखने जा सकते हैं। हॉरर कॉमेडी जानर को सही मायनों में प्रचलित कराने का श्रेय स्त्री को जाता है, मगर जब मेकर को अपनी सफल और प्रतिष्ठित हॉरर कॉमेडी का सिक्वल बनाना हो तो चुनौती कड़ी होती है। जाहिर सी बात है फिल्म मेकर को एक ऐसी काल्पनिक दुनिया गढ़नी होती है जो हंसाते हंसाते डराए और डराते डराते हंसाए, मगर जब दर्शक उस दुनिया का हिस्सा बनकर डरने लगता है कह कहे लगाने लगता है तो समझो किला फतेह है। निर्देशक अमर कौशिक इस डराने हंसाने के सिलसिले में जरा भी चूके नहीं। स्त्री 2 में पार्ट 1 के किरदारों के आकर्षण के साथ कुछ चौंकाने वाले चरित्र जोड़े गए हैं। इस बार कॉमेडी और हॉरर का कॉम्बिनेशन भी कम डेडली नहीं है। कहानी की बात की जाए तो स्त्री के फैंस जानते ही हैं कि पार्ट 1 में स्त्री ने पुरुषों का अपहरण किया था, मगर इस बार कहानी में एक नए भयावह दानव सरकटा की एंट्री होती है। सरकटा महिलाओं को आक्रांत कर उनका अपहरण करता है। कहानी उसी चंदेरी गांव से शुरू होती है जहां कल तक लोग स्त्री से आतंकित थे, मगर अब दीवारों पर लिखा है ओ स्त्री रक्षा करना। हाल फिलहाल में गांव में सब ठीक ही चल रहा होता है कि एक दिन अचानक बिट्टू की गर्लफ्रेंड चिट्टी को सरकटा तबाही मचा कर ले जाता है। बिक्की को आज भी उस अनाम रहस्यमय लड़की का इंतजार है, मगर रुद्र को एक दिन एक खत द्वारा चंदेरी पुराण के फटे हुए पन्ने मिलते हैं जिससे निष्कर्ष निकलता है कि दिल्ली में रहने वाले जना की मदद से सरकटा का पता लगाया जा सकता है। इस बीच रहस्यमयी लड़की श्रद्धा भी चंदेरी वापस आ गई है, मगर जब सरकटा रुद्र की नर्तकी प्रेमिका समा का अपहरण कर लेता है और गांव के बिट्टू सहित कई मर्दों को अपने वश में करके महिलाओं की आज़ादी पर बंदिश लगवा देता है तब रुद्र श्रद्धा बिकी और जना सरकटा के संहार के लिए कमर कस लेते हैं। क्या इनकी चौकड़े सरकटा का विनाश कर पाती है? क्या गांव से अगवा की गई लड़कियों को सरकटा के चंगुल से बचाया जाता है? क्या इस बार बिकी को उसका प्यार मिल पाता है? यही इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। निर्देशक अमर कौशिक कहानी के पहले भाग में खूब मजे करवाते हैं। दैत्याकार भयानक दानों के एंट्री से लेकर तमाम चरित्रों की दहशत और उस डर से उपजी कॉमेडी एंटरटेनमेंट का तगड़ा जोश पेश करती है, मगर सेकंड हाफ में कहानी थोड़ी एवरेज हो जाती है। फिल्म में राक्षस और उनके साम्राज्य के खात्मे को लेकर जिस तरह की दुनिया और विजुअल्स परोसे गए हैं उसमें VFX का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है। क्लाइमैक्स में वरुण धवन के साथ साथ अक्षय कुमार की एंट्री एंटरटेनमेंट की मात्रा को तो जोड़ती ही है, साथ साथ हॉरर कॉमेडी के इस यूनिवर्स में स्त्री भेड़िया के कॉम्बिनेशन का इशारा भी कर देती है। इस सीक्वल का डायरेक्टर अमर कौशिक महिलाओं की आज़ादी के मुद्दे पर भी मनोरंजक ढंग से बात करते हैं।
हाँ अंत थोड़ा खींचा हुआ लगता है। हालांकि म्यूजिक की बात की जाए तो आई नई खूबसूरत और आज की रात जैसे गीत म्यूजिक लवर्स को पहले ही पसंद आ रहे हैं। हाँ बैकग्राउंड म्यूजिक और बेहतर हो सकता था। एक्टिंग पक्ष हर तरह से बीस साबित होता है। फिल्म की पूरी कास्ट ने हॉरर कॉमेडी को अपने पात्रों के जरिए जीवित किया है। विकी के रूम में राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर एक बार फिर अपनी भूमिकाओं से पहले फिल्म को संपन्न प्रदान करते हैं। राजकुमार का देसी लहजा और बॉडी लैंग्वेज खूब हंसाता है। श्रद्धा कपूर बेहद खूबसूरत और दमदार लगी हैं। राक्षस का सामना करने वाले उनके सीन बहुत ही जानदार बन पड़े हैं। उन्होंने अपनी आंखों के जरिए एक्टिंग की है। डायरेक्टर को उन्हें और ज़्यादा स्क्रीन टाइम देना चाहिए था। रुद्र के रूम में पंकज त्रिपाठी खूब चमकते हैं। उनके वन लाइनर्स खुद गुदगुदाते हैं तो जना के रोल में अभिषेक बनर्जी पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर देते हैं। अपार शक्ति खुराना ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। तमन्ना भाटिया आइटम सॉन्ग आज की रात में खूब जमी हैं। सरप्राइज पैकेज के रूम में अक्षय कुमार थोड़ी देर की मौजूदगी में ही कमाल कर जाते हैं। स्त्री फिल्म 6 साल पहले 2018 में रिलीज हुई थी। 25 करोड़ के मामूली बजट पर बनी इस फिल्म ने 150 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का कारोबार किया था। फिल्म का निर्देशन अमर कौशिक ने किया था। फिल्म में राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अभिषेक बनर्जी, अपार शक्ति खुराना और पंकज त्रिपाठी नजर आए थे। अब साल 2024 है और स्त्री 2 लौट आई है। उसी डायरेक्टर, उसी स्टार कास्ट और एक ऐसे कैरेक्टर के साथ जिसकी चंदेरी में दहशत है। जी हाँ, स्त्री के जाने के बाद अब चंदेरी में सरकट आ गया है। स्त्री पुरुषों को उठाया करती थी, वही सरकटे के निशाने पर चंदेरी की लड़कियां हैं। अब चंदेरी में कोई भी दिक्कत आएगी तो उससे निपटने के लिए विकी एंड कंपनी तो आएगी ही, जिसमें पंकज त्रिपाठी भी शामिल हैं। बस सरकटे से निपटने की जिम्मेदारी श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव और उनके दोस्तों की है। सरकटे का खात्मा कैसे होता है, श्रद्धा कपूर किस तरह विकी एंड कंपनी की मदद करती है, इन सवालों के जवाब तो स्त्री देख कर ही मिलेंगे। लेकिन फिल्म में कॉमेडी और हॉरर का मजेदार छौंक है। फिल्म का पहला हाफ सर पर दौड़ता है और सरकटे के दर्शन के साथ डराता भी है तो विकी एंड कंपनी की हरकतों से गुदगुदाता भी है। लेकिन सेकंड हाफ में आकर अमर कौशिक थोड़े उलझ जाते हैं। जिस तरह से सरकटे से निपटा जाता है और चीज़ों को दिखाया जाता है, वह माहौल थोड़ा खींचा हुआ सा लगता है। बाकी स्त्री 2 में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत तो है नहीं। फिर समय समय पर आपको कुछ कैमियो भी नजर आएंगे तो उनके लिए तैयार हैं। हाँ ध्यान रहे, फिल्म का एक मैसेज लेकर भी आई है। अब एक्टिंग की बात करें तो राजकुमार राव और विकी की टाइमिंग कमाल है। उन्होंने विकी के कैरेक्टर को ऐसा पकड़ा जो बाकी किसी के बस की बात नहीं। फिर अभिषेक बनर्जी और अपार शक्ति भी अच्छा साथ देते हैं, लेकिन हंसाने के चक्कर में कहीं कहीं मामला थोड़ा लाउड कर जाते हैं। श्रद्धा कपूर ने अच्छा काम किया है। उनकी जिस तरह की अनाम और रहस्यमय छवि बनाई गई है, उसे श्रद्धा कपूर ने बहुत ही ईमानदारी के साथ पर्दे पर पेश किया है। पंकज त्रिपाठी जिस अंदाज में डायलॉग बोलते हैं, मज़ेदार हैं। उनके वन लाइनर फैन को सर्दियाँ गुदगुदाएंगे। स्त्री 2 के वर्डिक्ट की बात करें तो स्त्री के फैंस के लिए एक परफेक्ट फिल्म है। फिर वो हॉरर कॉमेडी के शौकीन हैं, उन्हें भी पसंद आएगी। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी के फैंस भी इस फिल्म को पसंद करेंगे। फिल्म में कई सीन और बातें अटपटी लग सकते हैं, लेकिन हॉरर कॉमेडी के नाम पर उन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है। इस तरह स्त्री 2 का भरपूर फायदा तभी उठाया जा सकता है जिसमें दिमाग नहीं बल्कि दिल लगाया जाए। आसान नहीं होता है बड़े पर्दे पर काल्पनिक किरदारों की ऐसी आभासी दुनिया बसाना जिसे दर्शक अपनी दुनिया मान बैठे और इसके किरदारों से अपना पन मानने लगे। 6 साल पहले चर्चित लेखक निर्देशक जोड़ी राज और डीके ने निर्माता दिनेश बिजन और निर्देशक अमर कौशिक को अपनी एक कहानी सौंपी थी, स्त्री। स्त्री जो छोटे से शहर चंदेरी के पुरुषों को उठा ले जाती है, उसका अतीत मार्मिक है। उसके प्रेमी के साथ उसे जिंदा जला दिया गया उसकी अपनी बेटी के सामने, और जब स्त्री का क्रोध शांत होता है और वह खुद ही उस नगर की रक्षक बन जाती है जिन दीवारों पर पहले लिखा होता था वो स्त्री कल आना, उन दीवारों पर लिखा रहने लगा वो स्त्री रक्षा करना। लेकिन क्या होगा जब ये स्त्री इस नगर को छोड़कर चली जाएगी। फिल्म स्त्री 2 की कहानी उतनी ही है जितनी आप इसके ट्रेलर में देख चुके हैं, लेकिन इसकी अंतरधारा बहुत मारक है। कुछ कुछ देश में बने उन हालात जैसी जहाँ सब किसी एक के पीछे आँखें मूंद कर चल पड़ते हैं। सिनेमा अगर अपने समय के समाज पर टिप्पणी नहीं करता तो वह सिनेमा नहीं कहलाता है। फिल्म स्त्री 2 में भी इसके लेखक नीरेन भट्ट ने तमाम मनोरंजक मसालों के बीच एक कहानी छोटी सी ऐसी बूंदी है जिसे समझने वाले जरूर समझ सकेंगे। बाहर बड़ी बड़ी बातें करने वाले समाज सेवियों के घर में महिलाओं की हालत क्या है, क्या अब भी महिलाओं की आधुनिकता को छोटे कस्बों में स्वीकारा जाता है, क्या उनका चूल्हा चौका और पति के साथ उनकी मर्जी होने पर हमबिस्तर होना ही पत्नी धर्म है,
और क्या चाहता है पितृसत्तात्मक समाज जब कोई स्त्री अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी दुनिया बनाना चाहे। फिल्म इन सारे सवालों को बिना कहे प्रकट किए एक ऐसे मनोरंजन कहानी के साथ पेश करती है जिसे किसी ने रसगुल्ले में रखकर बच्चे को कुनैन की गोली खिला दी हो। अरसे बाद मुंबई के किसी प्रेस शो में हॉल हाउसफुल दिखा, तमाम लोग खड़े भी दिखे, बच्चे भी आए थे अपने अभिभावकों के साथ फिल्म देखने और हॉरर फिल्म का पूरा मजा भी लूटते दिखे। डर का अपना जो अलग आकर्षण होता है वह सबसे पहले किशोरा वह बच्चों को ही अपनी तरफ खींचता है। टीनएजर्स के बीच दुनिया भर में अब भी हॉरर सबसे लोकप्रिय सिने श्रेणी है और इस साल हिंदी की अतपकी दो फिल्में शैतान और मुंजा से निराश हुए हॉरर के पक्के मुरीदों के लिए फिल्म स्त्री टू किसी पार्टी से कम नहीं है। मुंजा से अमर कौशिक और दिनेश बिजन ने कंप्यूटर जनित किरदार पर्दे पर पेश किया और वह किरदार दरअसल स्त्री टू के लिए दर्शकों को तैयार करने की पाठशाला थी। फिल्म स्त्री टू में वही शहर चंदेरी है जहां 6 साल पहले एक अनाम युवती ने स्त्री की चोटी काटकर अपनी चोटी में मिला ली थी असीमित शक्तियां पाने के लिए बिकी। फिल्म स्त्री टू में वही शहर चंदेरी है जहां 6 साल पहले एक अनाम युवती ने स्त्री की चोटी काटकर अपनी चोटी में मिला ली थी असीमित शक्तियां पाने के लिए। बिक्की उसे अब भी चाहता है, उसके सपने भी देखता है और इस चक्कर में इतना फिट हो चुका है कि असल में उसके सामने आने पर भी उसे यकीन नहीं होता। उधर स्त्री गई तो सिरकटा आ गया। दहशत का दूसरा नाम है ये दैत्याकार प्रेत। इससे निपटने में चंदेरी के लोगों की मदद करने ये युवती फिर से लौटती है और इस बार अपना अतीत वर्तमान भविष्य सब जाते जाते बता जाती है। वर्ड धोन वाली भेड़िया भी इस यूनिवर्स से आ मिली है, लेकिन फिल्म का असल आकर्षण और सबसे बड़ा सरप्राइज है अक्षय कुमार का किरदार। ये किरदार क्या है ये आप फिल्म देखकर ही समझ जाएंगे। बतौर रचयिता ये फिल्म अमर कौशिक की है। फिल्म की कहानी की शुरुआत थोड़ी अतार्किक होते हुए भी फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है दर्शकों को अपनी डरावनी दुनिया के साथ सांस लेने के लिए तैयार कर लेती है। फिल्म स्त्री की तरह यहाँ भी अमर कौशिक ने पूरा तानापना श्रद्धा कपूर के किरदार के इर्द गिर्द ही रचा है। राजकुमार राव, अपार शक्ति खुराना, अभिषेक बनर्जी और पंकज त्रिपाठी सब इस एक अलौकिक चरित्र के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। फिल्म खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती है, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके बाद फिल्म में दो गाने और हैं। एक पर्दे पर श्रद्धा कपूर गाते दिखती हैं राजकुमार राव के साथ और दूसरा वरुण धवन के साथ। ऐसा क्यों, ये भी फिल्म देखकर ही समझना ज्यादा ठीक रहेगा। अमर कौशिक बतौर निर्देशक इस फिल्म में 100 में से 100 नंबर लाने के कामयाब रहे हैं और ऐसी कॉपी लिखने के लिए उनको सारी तैयारी करने में मदद करने के लिए निर्माता दिनेश बिजन को भी 100 नंबर ही मिलने चाहिए। कलाकारों में से 100 में से 100 नंबर लाने वाली पिछली फिल्म की तरह यहाँ भी एक ही कलाकार हैं और वह हैं श्रद्धा कपूर। हिंदी सिनेमा की सियासत के निशाने पर रही श्रद्धा कपूर ने अपने बोते बड़े पर्दे पर अपना जो मुकाम बनाया है उसकी पूरी कहानी फिर कभी। यहाँ इतना समझना जरूरी है कि फिल्म स्त्री से जो सिलसिला श्रद्धा कपूर ने हिंदी सिनेमा में शुरू किया है वह अभी रुकने वाला नहीं है। स्त्री टू ने उनका तिलिस्म और बढ़ाया और इससे करिश्मा कहे या उनकी शख्सियत का जादू कि उनकी सीधी साधी इस छवि के आगे तमन्ना मिल्क भाटिया का रूप रंग भी पानी मांगता नजर आता है। पुरुष कलाकारों में राजकुमार राव के करियर की आखिरी हिट फिल्म स्त्री रही है और स्त्री टू से उन्हें नया जीवनदान मिला है। अपार शक्ति का काम वेब सीरीज जुबली के बाद से निखरता जा रहा है। अभिषेक बनर्जी को फिल्म बेदा में दर्शकों ने जहाँ पूरी तरह नकार दिया वही जना के किरदार में यहाँ उन्होंने खूब तारियां लूटी और पंकज त्रिपाठी उनका तो बस नाम ही काफी है। उंगली चलाकर और गर्दन हिलाकर अभिनय करने का उनका अंदाज फिल्म दर फिल्म अटल है। अतुल श्रीवास्तव और राजकुमार राव के बीच पिता पुत्र के संवाद एक बार फिर एडल्ट मोड में निकल गए हैं। फिल्म में एक दो जगह द्विवर्थी संवाद भी हैं, लेकिन ये सब की समझ में आ जाए ये जरूरी भी नहीं। फिल्म मस्त है। आज़ादी की सालगिरह से लेकर रक्षाबंधन तक के अवकाश उत्सव में जब मौका और टिकट दोनों मिल जाए इसे देखने जा सकते हैं। हॉरर कॉमेडी जानर को सही मायनों में प्रचलित कराने का श्रेय स्त्री को जाता है, मगर जब मेकर को अपनी सफल और प्रतिष्ठित हॉरर कॉमेडी का सिक्वल बनाना हो तो चुनौती कड़ी होती है। जाहिर सी बात है फिल्म मेकर को एक ऐसी काल्पनिक दुनिया गढ़नी होती है जो हंसाते हंसाते डराए और डराते डराते हंसाए, मगर जब दर्शक उस दुनिया का हिस्सा बनकर डरने लगता है, कहे कहे लगाने लगता है, तो समझो किला फतेह है। निर्देशक अमर कौशिक इस डराने हंसाने के सिलसिले में जरा भी चूके नहीं। स्त्री टू में पार्ट 1 के किरदारों के आकर्षण के साथ कुछ चौंकने वाले चरित्र जोड़े गए हैं।
कुछ चौंकाने वाले चरित्र जोड़े गए हैं। इस बार कॉमेडी और हॉरर का कॉम्बिनेशन भी कम डेडली नहीं है। कहानी की बात की जाए तो स्त्री के फैंस जानते ही हैं कि पार्ट वन में स्त्री ने पुरुषों का अपहरण किया था, मगर इस बार कहानी में एक नए भयावह दानव सरकटा की एंट्री होती है। सरकटा महिलाओं को आक्रांत कर उनका अपहरण करता है। कहानी उसी चंदेरी गांव से शुरू होती है जहां कल तक लोग स्त्री से आतंकित थे, मगर अब दीवारों पर लिखा है ओ स्त्री रक्षा करना। हाल फिलहाल में गांव में सब ठीक ही चल रहा होता है कि एक दिन अचानक बिट्टू की गर्लफ्रेंड चिट्टी को सरकटा तबाही मचा कर ले जाता है। बिक्की को आज भी उस अनाम रहस्यमय लड़की का इंतजार है, मगर रुद्र को एक दिन एक खत द्वारा चंदेरी पुराण के फटे हुए पन्ने मिलते हैं, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि दिल्ली में रहने वाले जना की मदद से सरकटा का पता लगाया जा सकता है। इस बीच रहस्यमयी लड़की श्रद्धा भी चंदेरी वापस आ गई है, मगर जब सरकटा रुद्र की नर्तकी प्रेमिका समा का अपहरण कर लेता है और गांव के बिट्टू सहित कई मर्दों को अपने वश में करके महिलाओं की आज़ादी पर बंदिश लगवा देता है, तब रुद्र श्रद्धा बिकी और जना सरकटा के संहार के लिए कमर कस लेते हैं। क्या इनकी चौकड़े सरकटा का विनाश कर पाती है? क्या गांव से अगवा की गई लड़कियों को सरकटा के चंगुल से बचाया जाता है? क्या इस बार बिकी को उसका प्यार मिल पाता है? यही इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। निर्देशक अमर कौशिक कहानी के पहले भाग में खूब मजे करवाते हैं। दैत्याकार भयानक दानों के एंट्री से लेकर तमाम चरित्रों की दहशत और उस डर से उपजी कॉमेडी एंटरटेनमेंट का तगड़ा जोश पेश करती है, मगर सेकंड हाफ में कहानी थोड़ी एवरेज हो जाती है। फिल्म में राक्षस और उनके साम्राज्य के खात्मे को लेकर जिस तरह की दुनिया और विजुअल्स परोसे गए हैं, उसमें VFX का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है। क्लाइमैक्स में वरुण धवन के साथ साथ अक्षय कुमार की एंट्री एंटरटेनमेंट की मात्रा को तो जोड़ती ही है, साथ साथ हॉरर कॉमेडी के इस यूनिवर्स में स्त्री भेड़िया के कॉम्बिनेशन का इशारा भी कर देती है। इस सीक्वल का डायरेक्टर अमर कौशिक महिलाओं की आज़ादी के मुद्दे पर भी मनोरंजक ढंग से बात करते हैं। हाँ, अंत थोड़ा खिंचा हुआ लगता है। हालांकि म्यूजिक की बात की जाए तो आई नई खूबसूरत और आज की रात जैसे गीत म्यूजिक लवर्स को पहले ही पसंद आ रहे हैं। हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक और बेहतर हो सकता था। एक्टिंग पक्ष हर तरह से बीस साबित होता है। फिल्म की पूरी कास्ट ने हॉरर कॉमेडी को अपने पात्रों के जरिए जीवित किया है। बिकी के रूप में राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर एक बार फिर अपनी भूमिकाओं से पहले फिल्म को संपन्न प्रदान करते हैं। राजकुमार का